अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, मैं पहले बता रही हूँ, आराम से सब लोग पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ। जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ, रूल्स को बिल्कुल बारीकियों से समझना भी है और साथ साथ नोट भी करना है, ओके? चलो, वो कैप सेक्शन में ज्यादा दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, हाय, हेलो, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। सब लोग रेडी हो पेन नोटबुक लेके? बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम क्या करने वाले हैं, टॉप 100 रूल्स करेंगे। इस रूल्स में सारी ही ग्रामर को कवर करेंगे, पार्ट्स वाइज चलेंगे। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल करेंगे, फिर टेंस के रूल करेंगे, फिर आगे वर्ब के रूल करेंगे। अभी आपको पता लग जाएगा किस तरीके से रूल्स आपको पढ़ने हैं। गुड इवनिंग, चलो, हाँ बिल्कुल, पूरी क्लास अटेंड करनी है भाई, इस बात को दिमाग में बिठा लो, पूरे का पूरा सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग, बिल्कुल टेंस के सारे रूल आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जैसे ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, रूल मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस का आंसर देना और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि वो क्वेश्चन सही है या नहीं, ओके? हाँ जी बिल्कुल, मिल जाएगी क्लास के खत्म होने के बाद, सेशन के खत्म होने के बाद विद इन 2 आवर्स और 3 आवर्स आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैक्सिमम 2 आवर्स में ही मिल जाएगी। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा टॉप 100 ग्रामर रूल्स। देखो, सबसे पहला रूल ये बनता है कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, सबसे बेसिक रूल यही बनता है। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का कोई स्पेसिफिक नेम। जब भी स्पेसिफिक नेम की बात आती है किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। जैसे ये जनरल सेंस है, ये जो रूल है आपका, ये जनरल सेंस है, ओके? थैंक यू संगीता। चलो अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है आई मेट राम टूडे, इसका मतलब क्या है, ये राम नोन है, ठीक है, राम को जानती हूं मैं, तभी मैंने लिखा आई मेट राम टूडे। लेकिन सेकेंड रूल की अगर बात की जाए, सेकेंड रूल आपका बनता है कि कौन से ऐसे केस हैं जहां पे हम लोग प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। देखो, प्रॉपर नाउन के साथ अगर आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई मेट अ राम टुडे। अब आप कहोगे मैम राम तो प्रॉपर नेम है, उसके साथ हमने आर्टिकल का यूज कैसे कर लिया? तो देखो, ये जो है इसका मतलब है अ बॉय। जब भी मैं ए और एन के साथ प्रॉपर नाउन का यूज करती हूँ, उसका मतलब है कॉमन नाउन। इसके बारे में रीडर को या फिर लिसनर को पहले से नहीं पता, समझ आ रहा है? चलो थर्ड रूल की बात अगर की जाए, द का यूज कब कर सकते हैं प्रॉपर नाउन के साथ? प्रॉपर नाउन के साथ हम द का यूज तब करेंगे जब भी कंपैरिजन होना हो। ध्यान रखो इस चीज को। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडियन ड्रामेटिस्ट। अब यहाँ पर देखो, क्या कालिदास और शेक्सपियर सेम है? नहीं। लेकिन हमने कालिदास की कुछ क्वालिटीज का कंपैरिजन शेक्सपियर की क्वालिटीज से कर दिया, समझ में आया? अगर मैं कहूँ सो एंड सो पर्सन इज द कपिल शर्मा ऑफ द क्लास, तो इसका मतलब क्या है? ही इज सो फनी, ही इज वेरी फनी। क्लियर है? चलो स्लो कर दूं, चलो ठीक है, नेक्स्ट रूल पे अगर चलते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? आपका समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। अब समूह की बात होगी, ग्रुप की बात होगी, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो सारे मेंबर मिलजुल के रहे या फिर लड़ाइयां होती रहे। तो जब भी यूनाइटेड सेंस होगा, यानी कि एकजुट, जब भी यूनाइटेड सेंस होगा तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन जैसे ही डिविजन आ जाए, जैसे ही डिवाइडेड सेंस हो, तब हम कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है? चलो बताओ, अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द टीम हैज या हैव वन द मैच, क्या आना चाहिए? फटाफट से मुझे आंसर करो, द टीम हैज या हैव। अब मेरी एक बात को समझो, हैज आता है आपका सिंगुलर के साथ और हैव आता है आपका प्लूरल के साथ। तो फटाफट से मुझे ये बताओ, टीम के साथ इस सेंटेंस में हैज आना चाहिए या हैव आना चाहिए?
पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ की टेंशन मत करो, मुझे बस आंसर बताओ कि हैज आना चाहिए या हैव। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाए, सारे ग्रुप में शेयर कर दो और मुझे आंसर करो कि हैज आना चाहिए या हैव। जिन्स मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हैज आना चाहिए, करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे टीम ने मैच जीता है, मैच जीतने में टीम एकजुट होकर काम करेगी तभी मैच जीत पाएगी, तो क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स हैव समझ रहे हैं, हैव प्लूरल के साथ आता है, प्लूरल कलेक्टिव नाउन के साथ तब यूज किया जाएगा जब डिविजन की सेंस हो। ओके चलो सेकंड पे आओ, द ऑडियंस इज या आर रिक्वेस्टेड टू टेक इट्स या देयर सीट्स, क्या आना चाहिए फटाफट से बताओ। द ऑडियंस इज या आर रिक्वेस्टेड टू टेक इट्स या देयर सीट्स, सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या आना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ने, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हैज फर्स्ट वाले में करेक्ट है, सेकेंड में बताओ। तस्लीम ने कहा आर एंड देयर, ओके इज भी बोल रहे हो, आर भी बोल रहे हो, चलो देखो ऑडियंस की अगर बात की जाए, ध्यान से समझना, ऑडियंस की अगर बात की जाए तो ऑडियंस आपके चाहे चार लोग हो चाहे 4,000 लोग हो, कलेक्टिव नाउन होता है, लेकिन जब भी सीट पर बैठने की बात आएगी वहां पर क्या होगा, हर कोई पर्सन अपनी अपनी सीट्स में ही तो बैठेगा, सेंस डिवीजन है। डिवीजन का मतलब ये मत समझना कि सिर्फ लड़ाई, सेंस पे आपको जाना है कि यूनाइटेड सेंस है या डिवाइडेड सेंस है, तो यहाँ पे क्लियर डिविजन है, आना चाहिए प्लूरल। अब वर्ब की प्लेसमेंट हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है और सेंटेंस में आगे जो पोजेसिव केस अधिकार बताने वाले शब्द हैं वो भी किसके अकॉर्डिंग आते हैं, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आगे जो पोजेसिव केस है वो भी आपका प्लूरल आएगा, तो करेक्ट आंसर होगा आर एंड देयर। क्लियर हुआ? हाँ जी चलो, फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात की जाए, देखो मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ए और एन का यूज किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। अब रीजन समझो इसका, रटने का कोई काम नहीं है, हर चीज का रीजन आपके पास होना चाहिए। देखो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी कैटेगरी है, ये होती है आपकी अनकाउंटेबल, ये होती है आपकी अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आया? अब मुझे फटाफट से डिफरेंस बताओ काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। मुझे फटाफट से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस बताओ कि क्या होती है काउंटेबल, क्या होती है अनकाउंटेबल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस चीज में बहुत कंफ्यूजन रहती है, उनको लगता है जिसको काउंट किया जा सके वो काउंटेबल, जिसको काउंट ना किया जा सके वो अनकाउंटेबल। लेकिन सोचो अगर इतना आसान होता तो क्वेश्चन थोड़ी ना बनता। और ये जो चीज है काउंटेबल अनकाउंटेबल, आगे एडजेक्टिव एडवर्ब से दुखी कर रही होती है। जैसे आगे मैं आपको बताऊंगी कि मच के साथ आपका अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए, अब आपको अनकाउंटेबल नाउन ही नहीं पता तो कैसे सॉल्व कर लोगे। तो फटाफट से मुझे ये बताओ कि क्या होती है काउंटेबल नाउन और क्या होती है अनकाउंटेबल नाउन। नहीं सुरेश, अभी आपको बताया ये नहीं होता। नोट्स बिल्कुल बनाने हैं। देखो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, स्टार आपके अकॉर्डिंग स्टार क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? आप लोगों के अकॉर्डिंग स्टार क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, फटाफट से बताओ। स्टार का भी बताओ और मनी का बताओ, ये दो एग्जांपल्स। स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? फटाफट से बताओ। नहीं अनु, ऐसा नहीं होता। ध्यान से समझो मेरी बात को, जिस भी नाउन को आप एस या ईएस लगा के सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सको वो होता है काउंटेबल, और जिसको भी सिंगुलर से प्लूरल ना बना सको वो होता है अनकाउंटेबल। ध्यान से समझो इस बात को, जिसको भी आप सिंगुलर से प्लूरल बना सको काउंटेबल, जिसको भी सिंगुलर से प्लूरल ना बना सको वो अनकाउंटेबल। तो देखो स्टार है, स्टार को आप गिन तो सकते नहीं लेकिन प्लूरल तो बना सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा स्टार्स, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या होना चाहिए, स्टार आपका काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है। मनी की बात की जाए, मनी, मनी को गिन सकते हो लेकिन मनी को प्लूरल तो नहीं बना सकते। कब जाके कहोगे मुझे मनीज चाहिए, बहुत सारे मनीज या बहुत सारा मनीज, ऐसे तो नहीं बोलते ना। तो मनीज कोई वर्ड नहीं होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर ये वर्ड होता भी है तो वो कहाँ किस
क्या पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल के लिए याद रखो कि प्लूरल नहीं बन सकता तो अनकाउंटेबल। क्लियर हुआ? अब देखो, जो चीज सिंगुलर ही नहीं है उसी को तो प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो अगर कोई चीज सिंगुलर नहीं है तो उसके साथ ए और एन कैसे यूज किए जा सकते हैं? समझ में आया? तो ए और एन जो कि सिंगुलैरिटी को दर्शाते हैं, क्योंकि मैं कहूँ अ बॉय तो कितने बॉयज हैं, एक। अगर मैं कहूँ एन एप्पल तो कितने एप्पल्स हैं, एक एप्पल है। तो ए और एन आपके सिंगुलैरिटी को दर्शाते हैं, तो इनके साथ कभी भी मतलब ये मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि अनकाउंटेबल होती है उनके साथ यूज नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ रूल पे, द का यूज किया जा सकता है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों के साथ। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स को मटेरियल नाउन का पता होता है कि मटेरियल नाउन के साथ अब द का यूज कर लो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी द का यूज किया जा सकता है उसको स्पेसिफिक सेंस देने के लिए। क्लियर हुआ? उसको स्पेसिफिक सेंस देने के लिए। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो, द कॉटन ऑफ अहमदाबाद। अब सिंपल अगर मैं कॉटन की बात करूं कि दिस ड्रेस इज मेड ऑफ कॉटन, तो वहां पे क्या है, कॉटन की जनरल सेंस है, लेकिन अहमदाबाद की कॉटन स्पेसिफिक है कि नहीं? बिल्कुल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया द। अब मैं सिंपल करेज की बात करूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहाँ पे मैंने करेज किसके करेज की बात की है, रानी लक्ष्मीबाई की करेज की बात की है, तो होना चाहिए द करेज ऑफ लक्ष्मीबाई। क्लियर हुआ? तो मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों के ही साथ द का यूज हो सकता है, कब? जब भी वो स्पेसिफिक सेंस देंगे। क्लियर हुआ? चलो फटाफट से बताओ, अभी क्लास चल रही है, फटाफट से आप ध्यान से पढ़ लो। सेवेंथ रूल की अगर बात की जाए, ध्यान से समझना, कॉमन जेंडर। देखो कॉमन जेंडर क्या होता है, जहां पे मेल और फीमेल बराबर हो। कैसे? जैसे कि स्टूडेंट है, क्या मुझे बता सकते हो, मैंने सिर्फ एक वर्ड बोला स्टूडेंट, क्या मुझे बता सकते हो वो छात्र है या छात्रा है? हिंदी में कॉमन जेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि अध्यापक क्लास में है या अध्यापिका क्लास में है, छात्र क्लास में है या छात्राएं। लेकिन इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, द टीचर इज इन द क्लास, तो टीचर से आपको ये तो नहीं पता लगेगा ना कि वो मेल है फीमेल है। क्लियर हुआ? चलो तो देखो, यहाँ पे देखो, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाए? आपके पास एक सेंटेंस है, द जज हैज गिवन हिज हर या इट्स वर्डिक्ट। क्या आना चाहिए फटाफट से बताओ, हिज आएगा, हर आएगा या इट्स आएगा? फटाफट से मुझे बताओ कि क्या आना चाहिए इस सेंटेंस में, हिज आएगा, हर आएगा या इट्स? जज है, कॉमन जेंडर है, आपको नहीं पता कि मैन है वुमेन है, नहीं पता आपको। मुझे ये बताओ कि अब यूज क्या करें, कोई ना कोई पजेसिव केस तो यूज करना पड़ेगा ना, तो हिज आएगा, हर आएगा या इट्स आएगा? तस्लीम ने कहा हिज आएगा, ओके। हिज नहीं विजय, इट्स नहीं आएगा। चलो देखो ध्यान से समझना, प्रायोरिटी आपके सामने क्लियर कट लिखा हुआ है, प्रायोरिटी जाती है मैस्कुलिन जेंडर को। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट है, पुरुष प्रधान समाज है, तो इसलिए प्रायोरिटी किसको जाएगी, मैस्कुलिन जेंडर को, तो यहाँ पे आएगा हिज। क्लियर हुआ? चलो एट्थ रूल पे आओ। अब यहां तक मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है, इस रूल में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। क्या? जब भी किसी प्रोफेशन की बात होगी या डेजिग्नेशन की बात होगी, जब भी किसी प्रोफेशन की या डेजिग्नेशन की, प्रोफेशन क्या होता है, व्यवसाय, जैसे कि टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशन है, डेजिग्नेशन होता है पद, ठीक है, डेजिग्नेशन। अब प्रिंसिपल क्या है, एक डेजिग्नेशन है, तो जब भी प्रोफेशन की या डेजिग्नेशन की बात होगी उसके साथ आप यूज करोगे या तो मैन या तो वुमेन। लेकिन जब आपको क्लियरली ही जेंडर स्पेसिफाई करना है तब आप उसके साथ यूज करोगे मेल एंड फीमेल। जैसे कि यहाँ पे लिखा डॉक्टर, अब डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन है, समझ लो। तो उसके साथ आपको अगर ये बताना है, यहाँ पे आपने एक वर्ड सुना होगा लेडी डॉक्टर, हाँ कि ना? अब मुझे बताओ लेडी डॉक्टर कहोगे या वुमेन डॉक्टर कहोगे, फटाफट से बताओ। इस एग्जाम्पल में हम लेडी डॉक्टर कहेंगे या फिर वुमेन डॉक्टर कहेंगे? आपने जनरली सुना होगा लेडी पुलिस, लेडी डॉक्टर, क्या आना चाहिए, लेडी डॉक्टर बोलूं या वुमेन डॉक्टर बोलूं, फटाफट से मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंग, या फिर मैं बोलूं फीमेल डॉक्टर। तीन ऑप्शन है आपके पास, क्या आपके अकॉर्डिंग सही है? निशान बोल रहे हैं लेडी डॉक्टर, ओके लेडी। चलो
अब एक बात को ध्यान से समझना, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, वहां पे लेडी जो वर्ड है वो क्वीन के लिए यूज किया जाता है, तो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट वाला वर्ड है लेडी। तो एक अब डॉक्टर है, देखो पूरी जो कंट्री है उसमें क्वीन कितनी होंगी, एक ही होंगी ना, लेकिन डॉक्टर की अगर बात की जाए या टीचर की बात की जाए बहुत सारी हो सकती है, पुलिस की बात की जाए बहुत सारी हो सकती है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो लेडी डॉक्टर बिल्कुल नहीं होगा, गलत है, लेडी पुलिस कहना गलत है। आप क्या बोलो, आप बोलो विमेन डॉक्टर, क्यों? अभी आपको बताया है कि प्रोफेशन या डिजिग्नेशन आ जाए आप यूज करोगे मैन या विमेन। फीमेल डॉक्टर कहना भी गलत है, आप सिंपल बोलो विमेन डॉक्टर। आपको ये जो दो रूल्स बता दिए हैं इनसे बाहर सब गलत है, ठीक है? हाँ जी करेक्ट ज्योति, बिल्कुल सही, विमेन डॉक्टर आएगा, बिल्कुल सही पूछा। अब देखो ये रूल भी क्लियर हुआ, यहाँ पे आपने लिखा मैन प्रिंसिपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो फ्रेंड, अब फ्रेंड कोई डेजिग्नेशन नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है उसके साथ, सिर्फ आपको ये बताना है कि वो मेल है या फीमेल है, आप बोलो फीमेल फ्रेंड, फीमेल कजन। अब इस जो पर्टिकुलर ये कजन वर्ड है इसके साथ आपको सिस्टर या ब्रदर का यूज नहीं करना है, आप कजन के साथ सिस्टर या ब्रदर बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। अगर आपको यही स्पेसिफाई करना है कि वो ब्रदर है या सिस्टर है तो आप बोलोगे मीट माय फीमेल कजन या मीट माय मेल कजन, या फिर ये कह सकते हो ही इज माय कजन या शी इज माय कजन। कजन सिस्टर और कजन ब्रदर नहीं बोलोगे, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। टेंथ रूल क्या कहता है, देखो ये है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस क्या होता है, अधिकार बताना, पोजेसिव केस होता है अधिकार बताना। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक तो लिविंग का पोजेसिव केस बताया जाए, एक बताया जाए केस नॉन लिविंग का। तो लिविंग का किस तरीके से बताया जा सकता है, नाउन है, नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे एस लगा के उसके साथ पोजेशन हम बताते हैं लिविंग का, ठीक है? हाँ जी, तो एपोस्ट्रोफे एस, अब देखो ये जो है ये होता है एपोस्ट्रोफे, इसको बोलते हैं एस। मैंने अलग अलग इसलिए बताया क्योंकि आगे हम देखेंगे कि कहाँ हमको सिर्फ एपोस्ट्रोफे का यूज करना है, एस का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो राम्स फादर, अब एक बात का ध्यान देना, जब भी मैं लिविंग की बात कर रही हूँ लिविंग से मेरा मतलब है नाउन, ना कि पोजेशन। पोजेशन कुछ भी हो सकता है, या फादर की जगह हो सकता है कार लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता, पोजेशन कुछ भी हो सकता है। जो नाउन है ये लिविंग होना चाहिए, जो नाउन है ये नॉन लिविंग होना चाहिए, समझ में आया? यहाँ पे लिखा है राम्स फादर, कोई दिक्कत नहीं है, श्याम्स मदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी हम नॉन लिविंग का पोजेशन बताएंगे उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑफ। मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिख सकती हूँ कि चेयर्स लेग, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, क्यों? चेयर तो नॉन लिविंग है, हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज तो लिविंग के पोजेशन के लिए करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा लेग्स ऑफ चेयर। क्लियर है? हाँ जी कपिल, मिल जाएंगे। चलो फटाफट से मुझे ये बताओ, क्लियर हो रहे हैं सारे रूल्स? चेयर्स लेग आप बिल्कुल नहीं लिखोगे, लिखोगे लेग्स ऑफ चेयर। अब यहां पे देखो 11th रूल पे आओ, हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड क्या होती है, अब आप एक काम करो इस वर्ड को प्रोनाउंस करके देखो, पहले इस वर्ड को प्रोनाउंस करो, क्या बोलोगे? राम्स फादर, इसको बोलो सुरेशस फादर। ये शोक ये जो आवाज आती है इसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। ये कब जनरेट होती है, जब भी हम जो भी वर्ड्स है वो एक्स से खत्म हो रहे हो, सी एच से खत्म हो रहे हो, एस एच से खत्म हो रहे हो, सी ई या फिर एस ई से खत्म हो रहे हो, उनके साथ अगर आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो उसके साथ हिसिंग साउंड आती है, हिसिंग साउंड जनरेट होती है। तो ये हिसिंग साउंड नहीं आनी चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स के साथ हम एस का यूज नहीं करते, सिर्फ एपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं। तो अगर आपको इसको करेक्ट लिखना है तो सिंपल ऐसे बोलो सुरेश फादर, समझ में आया? चलो 12th रूल, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले रूल जनरल हैं, कुछ रूल्स जनरल होते हैं, कुछ होते हैं जो सबको नहीं पता होते, ये उनमें से एक है। अब अवॉइड सीक्वेंशियल पोजेशन। सीक्वेंशियल पोजेशन क्या होता है, आपका एक के बाद एक, अगर एक के बाद एक लगातार पोजेशन बताए गए हों तो उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल पोजेशन, और इस चीज को हमको अवॉइड करना होता है, समझ में आया? अब सीक्वेंशियल पोजेशन को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, ये तरीका लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। क्लियर हुआ यहां तक? इतने रूल्स में कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। अभी नाउंस के रूल चल रहे हैं, नाउंस के बाद प्रोनाउंस की, इस तरीके से हम पूरी ग्रामर को कवर करने वाले, एंड तक सबको ये क्लास लगानी है।
चलो अब यहाँ पे देखो, ये जो हमने 12th रूल किया था उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे लिखा हुआ है माई नेबर्स डॉटर्स कार वॉज स्टोलन, माई नेबर्स डॉटर्स कार वॉज स्टोलन। आपको ये पता है कि सिक्वेंशियल पोजिशन का तो यूज करते ही नहीं है। अब न्यूज़पेपर में आपको ये चीज मिल जाएगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपको ग्रामर के लिए कौन सजेस्ट करता है कि जाके न्यूज़पेपर पढ़ो? कोई सजेस्ट करता तो ग्रामर के रूल्स के लिए अगर आप जाके न्यूज़पेपर पे लगाओगे तो वो ठीक नहीं है। तो न्यूज़पेपर तो आपको लिख के दे देगा, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में क्या करता है, आर्टिकल्स वगैरह को ओमिट कर लेता है, ठीक है? तो न्यूज़पेपर में बेशक मिल जाए, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर ये सेंटेंस लिखा आ गया, गलत है, इसको करेक्ट करना है। अगर इंप्रूवमेंट में आ जाए तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो देखो, आपके सामने लिखा ये है कि नाउन नाउन पोजेशन, तो सबसे पहले लिखो द पोजेशन, इस एपोस्ट्रोफी एस की जगह लगाओ ऑफ और ये एज इट इज, द कार ऑफ माई नेबर्स डॉटर वॉज स्टोलन। क्लियर हुआ? द कार ऑफ माई नेबर्स डॉटर वॉज स्टोलन, माई नेबर्स डॉटर्स कार गलत हो जाएगा। आपको इसको लिखना है इस तरीके से, द कार ऑफ माई नेबर्स डॉटर वॉज स्टोलन। क्लियर हुआ? अब आ जाओ 13th रूल पे, 13th एंड 14th, द मोस्ट मतलब 100 रूल्स हैं, सब में पूरी में ग्रामर कवर हो रही है, एक एक रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जिस भी रूल को मैं स्टार मार्क कर रही हूँ तो ये समझ लेना वो रूल्स में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत भी होती है और एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी पूछता है। चलो, कॉमन पोजिशन और सेपरेट पोजिशन क्या होती है ये चीजें? अब ध्यान दो, घर में अगर कोई व्हीकल है तो उस पर तो सभी का अधिकार है, ऐसा तो नहीं होगा ना कोई एक पर्सन ही यूज कर सके, तो ध्यान देना, उसको बोलते हैं कॉमन पोजीशन। अब सेपरेट पोजीशन क्या होता है? अगर बात कर लीजिए टूथब्रश की बात की जाए सपोज, तो टूथब्रश तो सबकी अपनी अलग अलग होती है, उसको बोलते हैं सेपरेट पोजीशन। घर के बर्तन है, सभी का अधिकार है, लेकिन कपड़े तो सबके अलग अलग होते हैं, तो इसी चीज को बोला जाता है कॉमन पोजीशन एंड सेपरेट पोजीशन। अब भाषा है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो हर चीज को कन्वे करने का तरीका होगा ना उसमें, तो आप कैसे बता सकते हो कॉमन पोजीशन एंड सेपरेट पोजीशन को? देखो, जब भी नाउन वन एंड से जुड़ा हो नाउन टू के साथ, और ये जो पोजेशन है इस पे नाउन वन का भी अधिकार है और नाउन टू का भी अधिकार है, तो क्या करो, सिर्फ नाउन टू के साथ एपोस्ट्रोफे लगाओ, पोजेशन बताओ, काम खत्म। अब ये पोजेशन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम एंड श्याम्स फ्रेंड, अब ये जो एक दोस्त है वो राम का भी हो सकता है और श्याम का भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रेंड्स की अगर बात की जाए, हो सकता है एक से ज्यादा दोस्त राम और श्याम के कॉमन हो, क्या दिक्कत है? समझ में आया ये रूल? तो कोई भी पोजीशन अगर आपको इस तरीके से बताना हो तो आप ऐसे बता सकते हैं, नाउन वन एंड नाउन टू, पोजीशन लिखो, एपोस्ट्रोफी एस जाएगा सिर्फ नाउन टू के साथ। चलो, सेपरेट पोजीशन की अगर बात की जाए तो नाउन वन एंड से जुड़ा हुआ है नाउन टू के साथ, और ये जो पोजीशन है नाउन वन का अलग है, नाउन टू का अलग है, यानी इस चीज पे नाउन वन का अधिकार अलग है, नाउन टू का अधिकार अलग है। तो आपको करना क्या है, दोनों के साथ अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, नाउन वन के साथ एपोस्ट्रोफी एस अलग एंड नाउन टू के साथ एपोस्ट्रोफी एस अलग, और ये पोजेशन। अब ध्यान देना, अब मैं कहूँ दो बंदों की टूथब्रश की बात हो रही, तो कम से कम वहां दो टूथब्रश तो होनी चाहिए ना, तो ध्यान रखना ये जो पोजेशन है ये हमेशा ही प्लूरल रहेगा। क्लियर हुआ? ये जो पोजेशन है ये आपका हर सिनेरियो में कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड्स, अब इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे फ्रेंड लिखा होता तो ये गलत हो जाता, यहाँ पे फ्रेंड्स लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर एक दोस्त राम का और एक दोस्त श्याम का तो कम से कम दो दोस्त तो हुए, और एक से ऊपर सब प्लूरल है। क्लियर हुआ? चलो फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत आ रही है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये दोनों, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी रहती है स्टूडेंट्स को। आगे बढ़ते हैं, अब ये है आपके सामने सीधा सीधा तुक्का लगाओ टेक्निक, कोई आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको बताया जाए वैसे वैसे लिख लो, ठीक है? कंपाउंड नाउन क्या होती है? कंपाउंड नाउन फटाफट से बताओ मुझे, फटाफट से मुझे ये बताओ कि क्या होती है कंपाउंड नाउन। देखो, वो रूल की अगर बात की जाए तो एक बात समझो, मैंने यहां पे लिखा है राम एंड
श्याम्स फादर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, राम और श्याम भाई हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अलग अलग लगा देती हूँ तो एरर कहाँ हो जाएगी? एरर हो जाएगी यहाँ पे, इसको प्लूरल होना चाहिए। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, राम्स एंड सीतास डाइवोर्स। अब एक बात समझो, डाइवोर्स की अगर बात की जाए, चाहे राम का हो चाहे सीता का, एक ही होगा ना, तो यहाँ पे इस एपोस्ट्रोफी एस को हटाने की जरूरत है। तो इस तरीके से ये रूल काम करता है, समझ में आया? आपको ये चीज देखनी होगी कि कहाँ पे आपको पोजेशन को प्लूरल बनाना है और कहाँ पे आपको एपोस्ट्रोफी एस हटाना है नाउन वर्ब का। चलो 15th रूल पे आओ। देखो, कंपाउंड नाउन वो होती है जहां दो नाउन मिलके तीसरा ही मीनिंग दे। जैसे कि चेयर का मतलब क्या कुर्सी, पर्सन का मतलब क्या व्यक्ति, चेयर पर्सन का मतलब क्या मुख्य, कोई व्यक्ति होगा, ठीक है। तो देखो, दो चीजें होती है, एक तो प्लूरल बनाना, एक पोजेशन बताना। तो अगर तो कंपाउंड नाउन आपकी दो वर्ड्स की हैं, हाइफनेटेड नाउन भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। तो अगर तो दो वर्ड्स की हैं तो क्या करो, सेकंड वर्ड के साथ एस या ईएस लगाओ। जैसे गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड्स लिख दिया, इनलॉ है, इनलॉज लिख दिया। लेकिन अगर कंपाउंड नाउन आपकी थ्री वर्ड्स की है, उसमें भी बीच वाला वर्ड प्रपोजिशन, तो क्या करोगे, फर्स्ट वर्ड के साथ आपको एस या ईएस लगाना है। ब्रदर इन लॉ है तो कैसे लिखोगे, ब्रदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ है तो कैसे लिखोगे, कमांडर्स इन चीफ। क्लियर हुआ? चलो अब बात करते हैं पोजेशन की। पोजेशन किस तरीके से बताया जा सकता है? देखो, दो ब्लॉक्स हैं आपके पास, क्या करो, सेकंड वाले पे अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, बात खत्म। तीन ब्लॉक्स हैं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाले पे अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, बात खत्म। पोजेशन के लिए क्या करना है, लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गर्लफ्रेंड्स वॉच, ब्रदर इन लॉज कार। क्लियर हुआ? समवन एल्स, यहाँ पे लिखा होगा समवन एल्स, तो क्या करोगे, एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। इतना क्लियर है? ये आपके पोजेशन के रूल सारे कवर हो गए हैं। हमने सीक्वेंशियल पोजेशन सीख लिया, हमने कॉमन एंड सेपरेट पोजेशन सीखा, हमने सीखा पोजेशन ऑफ कंपाउंड नाउन। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट। देखो क्या होता है यूनिट, यूनिट किस तरीके से बताई जा सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके सामने ये दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, फटाफट से मुझे ये बताओ कि क्या ये सेंटेंसेस ठीक है या नहीं। फटाफट से बताओ, ये जो दो सेंटेंसेस गिवन है ये करेक्ट है या नहीं। ही गेव मी 10 रुपी नोट, शी इज 30 ईयर ओल्ड। क्या यहाँ पे ईयर्स नहीं कर देना चाहिए, 30 साल तो भाई प्लूरल होता है ना, क्या यहाँ पे ईयर्स नहीं कर देना चाहिए, फटाफट से बताओ मुझे। फर्स्ट और सेकंड सेंटेंसेस आपके सामने गिवन है, ही गेव मी 10 रुपी नोट, शी इज 30 इयर्स ओल्ड। क्या यहाँ पे इयर्स ठीक है या फिर यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखो, फर्स्ट सेंटेंस की अगर बात की जाए, फर्स्ट रूल की अगर बात की जाए, तो जब भी कोई न्यूमरल, न्यूमरल क्या होता है, मैं अगर इसको लिखूं ऐसे 1, मैं इसको लिखूं 2, तो इसको बोलते हैं न्यूमरल्स, ठीक है। तो कोई भी न्यूमरल दिखाओ, उसके बाद यूनिट हो, उसके बाद चाहे नाउन हो चाहे एडजेक्टिव, फर्क नहीं पड़ता। ये जो यूनिट है ये हमेशा सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 10 रुपी नोट, तो ये रुपी सिंगुलर ठीक है। शी इज 30 ईयर्स ओल्ड गलत हो जाएगा, आपको अभी पता है ये यूनिट तो हमेशा सिंगुलर रखनी है, तो इस एस को हटाओ, काम बन जाएगा। क्लियर हुआ? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। सपोज करो बहुत इस तरीके से लिखा हुआ है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो जब भी यूनिट ऑफ नाउन लिखा होता है तो ये जो यूनिट है ये भी प्लूरल रहेगी, ये जो नाउन है ये भी प्लूरल रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सपोज करो, ये सेकंड सेंटेंस को ऑब्जर्व करो, क्या ये सेंटेंस ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, क्या ये सेंटेंस ठीक है हमारा? फर्स्ट तो ठीक है कि ये जो यूनिट है ये भी प्लूरल है, ये जो नाउन है ये भी प्लूरल है, लेकिन इसकी अगर बात की जाए तो ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, फिर भी बताओ क्या ये चीज ठीक है या नहीं।
आदित्य बोल रहे हैं बोथ करेक्ट. ओके और बताओ भाई सेकंड सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है सेकंड सेंटेंस में? ओके अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी ऐसे यूनिट दो चीजें आ जाए ना तो वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है. करेक्ट शुभम, वेरी गुड. ठीक है, हाँ जी नमिता, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाएगी, बढ़ते हुए क्रम में. देखो आप हजारों लाखों की संख्या लिखोगे, लाखों हजारों की नहीं, क्योंकि हजार पहले आता है, लाख बाद में आएगा. तो यहाँ पे किस तरीके से लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन दिस एग्जामिनेशन. समझ में आया ये रूल? आपको इसको हमेशा लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, जब भी एक से ज्यादा यूनिट गिवन हो. चलो 18th पे आओ. 18th रूल क्या कहता है? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस. अब सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं ये बताओ. हाँ जी बिल्कुल सही शुभम, मुझे बताओ कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं आपके. सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस होते हैं मोर देन रिक्वायर्ड. वर्बोज, रिडंडेंट. ठीक है, जरूरत से ज्यादा. जब एक बात में काम हो रहा है, मतलब एक वर्ड में हमारा काम निपट जा रहा है, तो हम ज्यादा वर्ड्स क्यों यूज करें. ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्बोज. अब फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है कजन सिस्टर. अब कजन का मतलब ही होता है रिश्ते के भाई या बहन, तो उसके साथ दोबारा सिस्टर या ब्रदर लगाने की नीड नहीं होती. अगर आपको ये बताना है कि वो भाई है या बहन है, तो मैंने आपको बता दिया आप कैसे बता सकते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है एंग्री मॉब. कोई मुझे बताएगा मॉब का मतलब क्या होता है? एंग्री मॉब, मॉब का मतलब क्या होता है? मॉब होता है आपका एंग्री क्राउड. जैसे क्राउड है, अगर वो गुस्से से पागल हो जाए उसको बोलते हैं मॉब. तो इसका ऑलरेडी मतलब एंग्री होता है, तो इसके साथ दोबारा एंग्री लगाने की नीड नहीं है. हाँ जी ठीक है. अब ये देखो गुड नेम, ये बहुत बोला जाता है. व्हाट इज योर गुड नेम? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी का गुड नेम है तो बैड नेम भी होना चाहिए. समझ रहे हो मेरी बात को? रिफ्रेश करो पूजा. अगर किसी का गुड नेम है तो किसी का बैड नेम भी तो होना चाहिए ना. एक पैरलस तो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं. मैं सपोज कहूं कि मैं सच बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो पैरलल मीनिंग तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना. हाँ जी, तो गुड नेम बिल्कुल नहीं होता है. सिंपल बोलो व्हाट इज योर नेम, काम खत्म. बिग ब्लंडर. अब देखो ब्लंडर होता है बिग मिस्टेक. कोई छोटी मोटी गलती हो उसको बोलते हैं मिस्टेक, कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए उसको बोल देते हैं ब्लंडर. तो ब्लंडर जब अपने आप में बड़ी है तो उसके साथ फिर से बिग लगाने की नीड बिल्कुल भी नहीं है. लेटेस्ट अपडेट. अब ये सब लोग बोलते हैं भाई, बहुत ज्यादा बोलते हैं कि भाई कौन सा लेटेस्ट अपडेट है. हाँ कि ना, तो लेटेस्ट अपडेट बोलते ही है सब लोग, लेकिन लेटेस्ट अपडेट नहीं होता. अपडेट का मतलब ही ये होता है कि कोई चीज पहले आ चुकी है, उसका अपडेट, उसका लेटेस्ट वर्जन. तो ये नहीं होगा, अपडेट बिल्कुल नहीं होगा. लेटेस्ट अपडेट सिंपल बोलो, रीसेंट बोल सकते हो. आपकी सबसे नया वाला अपडेट कौन सा है? आप ये पूछ सकते हो कि सबसे जो नया वाला अपडेट है वो कौन सा है. समझ में आया? चलो अब आ जाओ स्ट्रॉन्ग ब्रीज. क्या होता है स्ट्रॉन्ग ब्रीज? ब्रीज का मतलब ही होता है जो हल्की हल्की हवा चलती है. जो हल्की हल्की हवा चलती है उसको बोलते हैं ब्रीज. ब्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता. स्ट्रॉन्ग ब्रीज का मतलब होता है विंड. स्ट्रॉन्ग ब्रीज का मतलब होता है विंड. हाँ जी हाँ जी शुभम, रिसेंट अपडेट सही है, लेटेस्ट अपडेट सही नहीं है. चलो मुझे एक दो एग्जांपल्स और दो सुपरफ्लूस एक्सप्रेशंस के, फटाफट से मुझे एक दो एग्जांपल्स और दो सुपरफ्लूस एक्सप्रेशंस के. बहुत सुना होगा ओल्ड मेमोरीज. हाँ कि ना, ओल्ड मेमोरीज, मेमोरीज होती ही ओल्ड है. पास्ट हिस्ट्री, कभी प्रेजेंट की हिस्ट्री होगी क्या? एक वर्ड आपने सुना होगा पास्ट हिस्ट्री, कभी प्रेजेंट की हिस्ट्री होगी? नहीं, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है. फ्रेश स्टार्ट, वेरी
बताओ, फ्रेश स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब स्टार्ट का मतलब ही है कि कोई चीज फ्रेश हम बिगनिंग करें। फाइनल कंक्लूजन, एक वर्ड आपने सुना होगा, फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है भाई, बताओ फटाफट से। फाइनल कंक्लूजन होता ही, कंक्लूजन होता ही लास्ट पॉइंट है, तो उसके साथ फाइनल दोबारा लगाने की नीड नहीं है। चलो क्लियर हो गई सुपरफ्लूस एक्सप्रेशंस। हाँ जी करेक्ट। रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस, तो उसके साथ बैक लगाने की जरूरत नहीं है। फाइनल डेस्टिनेशन, मुझे बताओ आपने एक वर्ड सुना होगा, चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फाइनल डेस्टिनेशन। क्या फाइनल डेस्टिनेशन कहना सही है? फाइनल डेस्टिनेशन बताओ, फाइनल डेस्टिनेशन ही आपका होता है किसी भी कोई जर्नी का एंड पॉइंट, तो उसके साथ फाइनल लगाने की नीड नहीं है। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, मैम इस नाम की तो मूवी भी है, उसका क्या मतलब है? तो अगर हम इसको कंपाउंड नाउन की तरह यूज करें, फाइनल डेस्टिनेशन, तब इसका मतलब होता है डेथ। और अगर किसी ने वो मूवी देखी हो तो उसमें एंड में सारे मर ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। क्लियर है? हाँ जी करेक्ट संगीता। चलो आगे बढ़ते हैं 19th रूल पे। अब ये आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन वो होती है जिसके साथ हम एस या ईएस लगा के उसका प्लूरल ना बना सके। लेकिन अगर ऐसी कोशिश की जाएगी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर मैं एस या ईएस लगाने की कोशिश करूंगी, तो मेरा जो मीनिंग है, मतलब उस नाउन का जो मीनिंग है, वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि पेन, पेन का मतलब क्या होता है? पेन का मतलब क्या होता है? एक्ट। लेकिन पेन्स का मतलब क्या होगा? एफर्ट्स। क्लियर हुआ? पेन का मतलब होगा एक्ट, पेन्स का मतलब क्या होगा? एफर्ट्स। एयर का मतलब क्या होगा? एयर का मतलब होता है हवा, और एयर्स का मतलब क्या? हवाबाजी। हाँ कि ना? एयर का मतलब हवा, एयर्स का मतलब राइट, फालतू की हवाबाजी। अब मुझे फटाफट से कुछ एक एग्जांपल्स और दो आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐसे एस लगा के जहां पे मीनिंग चेंज हो जाए। हाँ जी बताओ। वुड्स है, वुड्स का मतलब क्या होगा? टिम्बर, लकड़ी। वुड्स अगर मैं इसके साथ एस लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट। ठीक है चलो 20th पे आओ। अब ये जो आपके सामने गिवन कुछ नाउन्स है, कुछ कैटेगरीज हैं। हाँ जी करेक्ट मंजीत। देखो ये जो आपके सामने जो कुछ गिवन नाउन्स हैं, अब आपके सामने चार कैटेगरीज आने वाली है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे याद रखना है वो सब मैं सिखा दूंगी। बस करना क्या है, ध्यान से सुनते जाओ और समझते जाओ चीजों को। देखो 20th जो आपके सामने कैटेगरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो कुछ वर्ड्स है ये हमेशा प्लूरल रहते हैं, इनके ब्रैकेट में आपको लिखना है, इनके साथ आपको एस सी आई एस लगा मिलेगा। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में आपको एस सी आई एस मिल जाएगा और ये हमेशा ही प्लूरल रहेंगे। जैसे कि क्या? सिजर्स, टोंग्स, स्पेक्टेकल्स, इयररिंग्स, ग्लव्स, शूज, सॉक्स, बूट्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, पजामास, आर्म्स, सराउंडिंग। ठीक है, तो ये सभी के सभी वर्ड्स हमेशा ही प्लूरल रहते हैं और इनके साथ वर्ब भी कौन सी आती है? हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। क्लियर है? चलो अब आप याद कैसे रखोगे? देखो जब भी किसी टूल की मिरर इमेज बने, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा है एम, एम की मिरर इमेज बन सकती है, अगर उसको बीच में से डिवाइड करोगे तो मिरर इमेज बन जाएगी। ए वर्ड है, ए अल्फाबेट है, उसकी मिरर इमेज बनेगी? बिल्कुल बनेगी। मतलब जिस जहां पे भी दो आइडेंटिकल पार्ट्स हो, अब जैसे सीजर्स है, सीजर्स की आप मिरर इमेज बनाओगे बन जाएगी। स्पेक्टेकल्स है, बीच में से मिरर इमेज बनाओगे बन जाएगी। इयररिंग्स होते ही दो के पेयर में है, ग्लव्स दो के पेयर में होते हैं, शूज हमेशा दो के पेयर में होते हैं, पैंट्स की भी अगर बात की जाए मिरर इमेज बन जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। 21st पे आओ, ये कुछ वर्ड्स है जिनके पीछे एस या ईएस लगा होता है फिर भी ये हमेशा ही सिंगुलर रहते हैं और इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। इनमें क्या क्या आ सकते हैं, ये मैंने आपके सामने कैटेगरीज लिखी हुई है,
इनके एग्जाम्पल्स आप मुझे दोगे, कोई भी नेम ऑफ अ बुक, जैसे कि सपोज करो मैंने लिख दिया टेल ऑफ टू सिटीज। अब सिटीज के पीछे ऐसे तो लगा हुआ है, लेकिन आप जाके कि कभी बुक परचेज करने जाओगे और बोलोगे गिव मी टेल ऑफ टू सिटीज, तो वो आपको दो बुक्स थोड़ी ना देगा, एक ही बुक देगा। ये क्या है, बुक का टाइटल है, ठीक है। टू स्टेट्स, टू स्टेट्स क्या है, बुक का टाइटल है। किसी भी गेम का नेम, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चेस, ऐसे एस लगा हुआ है लेकिन गेम तो एक ही है। जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, कोई भी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस, प्लूरल है लेकिन वर्ब की अगर बात की जाए तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती होती है। बात करें नेम ऑफ अ सब्जेक्ट की, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, सबके पीछे एस लगा हुआ है लेकिन हो गया क्या, सिंगुलर होंगे ये सब, ठीक है। डिजीज की अगर बात की जाए तो रेबीज, मम्प्स, मीजल्स, डायबिटीज। अब फटाफट से मुझे डायबिटीज की स्पेलिंग बताओ। डायबिटीज की स्पेलिंग दुखी कर जाती है एग्जाम में, फटाफट से मुझे बताओ डायबिटीज की स्पेलिंग, फटाफट से मुझे बताओ कि डायबिटीज की क्या स्पेलिंग होती है। डायबिटीज, हाँ जी करेक्ट, मीजल्स हो सकता है, करेक्ट मंजीत, मीजल्स, मम्प्स, रेबीज, डायबिटीज। डायबिटीज की स्पेलिंग बताओ। डायबिटीज की स्पेलिंग होती है DIABETES, डायबिटीज, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो नेम ऑफ कंट्रीज, जैसे यहाँ पे लिख दिया यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, तो इन सबके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, ऑलवेज प्लूरल। अब आप कहोगे मैम ये कैटेगरीज तो हम करके आ चुके हैं, ये कैटेगरीज हम करके आ चुके हैं, तो देखो यहाँ पे SAES इनके पीछे आपको नहीं मिलेगा। पहली कैटेगरी थी SAES आपको मिल रहा था, यहाँ पे आपको वर्ड्स के पीछे SAES नहीं मिलेगा, फिर भी हमेशा प्लूरल रहने वाले हैं। क्या क्या होते हैं, पीपल, पब्लिक, पुलिस, पीपल पुलिस पब्लिक, पीजेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, क्लर्जी हो गया, कैटल हो गया। अब याद कैसे करो, याद आपको रखना है ये तीन वर्ड्स को याद रखो, पीपल, पुलिस और पब्लिक। अब इन तीन लोगों को खाने के लिए खाना चाहिए, कौन देगा, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, पीजेंट्री। अब किसी को नॉनवेज खाना है कहाँ से आएगा, पोल्ट्री से, मुर्गा पालन वगैरह को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर इनको चाहिए सिक्योरिटी, कौन देगा, कैवेलरी। अगर इन्फेंट्री देगी, पैदल जो सैनिक लड़ते होते हैं उनको बोलते हैं, फिर इन्फेंट्री के साथ कौन आएगा, कैवेलरी, घुड़सवारों का दल। फिर खाना पीना हो गया, सेफ्टी हो गई, फिर पूजा पाठ, पूजा पाठ कौन कराएगा, क्लर्जी। क्लर्जी होता है ग्रुप ऑफ फादर्स, ठीक है, ये क्लियर हुआ, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। चलो 23rd रूल पे आओ, ये जो रूल्स हैं ये हमेशा, ये जो आपके वर्ड्स है फॉलोइंग वर्ड्स, ये हमेशा ही सिंगुलर रहेंगे। ध्यान रखना है इनके पीछे SAES नहीं होता है और ना ही इनके पीछे SAES लगाया जा सकता है। जैसे क्या, ये एग्जाम के सबसे फेवरेट वर्ड्स है, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, नॉलेज हो गया, सीनरी हो गया, पोइट्री हो गया, स्टेशनरी हो गया, हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, इक्विपमेंट हो गया, समझ आया, डिओडोरेंट हो गया, ये सभी के सभी वर्ड्स हमेशा ही सिंगुलर रहते हैं, इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है भाई। अब ये 24th रूल देखो, मैथमेटिक्स इज या आर इंटरेस्टिंग, क्या आना चाहिए मुझे बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैथमेटिक्स इज या फिर आर इंटरेस्टिंग। सेकंड अगर बात की जाए, अतुल सर मैथमेटिक्स इज या फिर आर एक्सीलेंट, क्या आना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड ऐसे लिखना कि फर्स्ट के साथ जो भी आपकी चॉइस हो, सेकंड के साथ जो भी आपकी चॉइस हो, क्या आना चाहिए, करेक्ट। अब एडवाइस आ जाएगा, मुझे बस फटाफट से बताओ, डाउट है कोई दिक्कत नहीं है, सही गलत जैसा भी लिखोगे क्लास में लिखोगे, क्लास में अगर गलत भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में जाके सही लिख दोगे। तो जो भी है आपका डाउट भी, फर्स्ट सेकंड आपको बताना है, फर्स्ट सेंटेंस में इज आएगा या आर आएगा, सेकंड में इज आएगा या आर आएगा।
अरे ऐसे एक मत लिखो ना, मुझे समझ में कैसे आएगा कौन से का बता रहे हो। अभिषेक, अरे करेक्ट कैसे हो सकते हैं, अभी तो चूज ही नहीं किया ना। ओके मंजीत, इज ओके, चलो बहुत बढ़िया विशाल, वेरी गुड। चलो अब बात की जाए, देखो समझो मेरी बात को, मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो मैथमेटिक्स के साथ कुछ और भी लगा हुआ है क्या? पोजेसिव केस लगा हुआ है। पोजेसिव केस में क्या आ सकता है, या तो अपोस्ट्रोफी एस लगा हो, या फिर हिज लगा हो, हर लगा हो, कोई भी पोजेसिव वर्ड जो है, तो उस केस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आनी चाहिए प्लूरल आनी चाहिए, तो आएगा आर। क्यों? ध्यान से समझना, मैथमेटिक्स किसी एक पर्सन का तो नहीं हो सकता ना, समझ रहे मेरी बात को। अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के मैथमेटिक्स की बात करूं तो मेरा मतलब है उनकी कैलकुलेशन स्किल्स, ठीक है। अगर मैं किसी के इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ, किसी के इकोनॉमिक्स की, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं उनकी मनी मैनेजमेंट स्किल्स की बात कर रही हूँ। अगर मैं किसी की पॉलिटिक्स की बात करूं तो उनकी जो कूटनीति वगैरह है उनकी बात हो रही है। तो अगर किसी भी नेम ऑफ अ सब्जेक्ट के साथ पोजेसिव केस लग जाता है तो वो हमेशा ही क्या होता है? प्लूरल। उसके साथ फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। चलो फटाफट से मुझे ये बताओ, एस्थेटिक्स क्या होता है? नेम ऑफ अ सब्जेक्ट है, एस्थेटिक्स क्या होता है? एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स होता है आपका सौंदर्य शास्त्र, स्टडी ऑफ ब्यूटीज। यहाँ पे 24 रूल्स में आपके नाउन कवर हो जाते हैं। ये कवर हो गए आपके नाउन्स। नाउन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सारी ग्रामर फिर आगे इसी पे बेस्ड है। प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करेगा, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, वर्ब वो काम है जो नाउन करे, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो नाउन पे बहुत ज्यादा बेस्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 24 रूल्स में नाउन निपट गया। हाँ जी करेक्ट, स्टडी ऑफ ब्यूटी, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन के रूल्स। चलो देखो प्रोनाउन के रूल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है? वो ये है कि देखो सेंटेंस का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर आपके सामने क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपके सामने सेंटेंस का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। वर्ब से पहले हमेशा क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। वर्ब के बाद क्या आएगा? हमेशा ही ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आपके पास सब्जेक्ट ना हो तो आता है सब्जेक्टिव केस, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ना हो तो आता है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है Him is going to the market. Him is going to the market. क्या आना चाहिए? हाँ जी करेक्ट अनुराग, मंजीत बिल्कुल बढ़िया। ये बताओ मुझे अब इस सेंटेंस को मैं करेक्ट कैसे लिखूं? मैंने यहां पे लिखा है Him is going to the market. Him is, क्या करूं मैं इस सेंटेंस में? देखो ये क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आता है? हमेशा ही सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट ना हो तो सब्जेक्टिव केस। अब हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा, तो आना चाहिए ही इज गोइंग टू द मार्केट। अगर मैं यहां पे लिखूं कि राम कॉल्ड आई, राम कॉल्ड आई, तो क्या आना चाहिए? यहां पे मैंने लिखा राम कॉल्ड आई, तो क्या आना चाहिए? ये कॉल्ड क्या है? वर्ब है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा? राम कॉल्ड मी। बहुत बढ़िया भाई, सभी के सभी स्टूडेंट्स सही आंसर कर रहे हो। करेक्ट आदित्य, दीपिका बिल्कुल बढ़िया। चलो 26th रूल की अगर बात की जाए, समझ में आ गया ये रूल कब काम करता है? ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जब आप पढ़ते हो तो उनका यूज इस तरीके से होना चाहिए, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं मी थिंक्स दैट हिम इज राइट, कैसे इस सेंटेंस को मैं ठीक कर सकती हूं? मी थिंक्स दैट हिम इज राइट,
क्या आना चाहिए? मी थिंक्स दैट हिम इज राइट. फटाफट से बताओ, मी थिंक्स दैट हिम इज राइट, क्या आना चाहिए? मी थिंक्स दैट हिम इज राइट. फटाफट से मुझे आंसर करके बताओ, आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? क्या इस मी को आई कर देना चाहिए या फिर ये ठीक है? अगर आई कर दूंगी तो फिर ये थिंक का क्या किया जाए? ओके, करेक्ट निशांत, पूजा, मंजीत, बहुत बढ़िया. देखो, थिंक क्या है आपकी? थिंक आपकी वर्ब है. यहाँ पे क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस मी नहीं होगा आई. अब आई के साथ थिंक्स नहीं, एक बात को दिमाग में बिठा लो कि जो प्रेजेंट टेंस है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस. साथ साथ बोलते रहना, प्रेजेंट टेंस के साथ हमेशा ही, मतलब प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल ट्रीट किया जाता है. प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल ट्रीट किया जाता है. तो देखो, आई थिंक दैट, अब ये वर्ब आ गई, तो वर्ब से पहले कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस, ही इज राइट. ओके, बहुत बढ़िया. चलो अब आ जाओ 26th रूल पे. ये रूल क्या कहता है? प्रेपोजिशन के साथ हमेशा ही कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस. कोई भी सिनेरियो हो, प्रेपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. आगे बहुत सारे रूल्स आएंगे, वो इसी एक रूल पे बेस्ड होंगे, और आपको पता भी नहीं होता कि ये वाला रूल लगेगा उनमें जाके. हाँ जी, तो देखो, बिटवीन शी एंड मी देर इज नो कंफ्लिक्ट. अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, यहाँ पे नो एरर. बताओ, ए पार्ट में एरर है, बी में एरर है, या फिर सी में एरर है, या फिर कोई एरर नहीं है? ए बी सी डी, फटाफट से आंसर करो मुझे. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बिटवीन शी एंड मी देर इज नो कंफ्लिक्ट. बिटवीन शी एंड मी देयर इज नो कंफ्लिक्ट, क्या आना चाहिए? फटाफट से बताओ. बिटवीन शी एंड मी देयर इज नो कंफ्लिक्ट. ए पार्ट में एरर है आपका, बी पार्ट में एरर है, सी में, या फिर कोई एरर नहीं है? बी में. ओके, बी में एरर है. हाँ, बस इसी तरीके से एग्जामिनेशन कंफ्यूज करता है. इसी तरीके से एग्जामिनेशन आपको कंफ्यूज करता है. क्या कंफ्यूज करेगा? आपको लगेगा सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्टिव केस है तो मी की जगह आई आना चाहिए, लेकिन अरे इस बिटवीन से तो मिल लो. ये बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन के साथ कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस. तो ये मी करेक्ट है, यहाँ पे आना चाहिए. बिटवीन हर एंड मी देयर इज नो कंफ्लिक्ट. हाँ जी, करेक्ट आदित्य, बिटवीन हर एंड मी देयर इज नो कंफ्लिक्ट. क्लियर हुआ? एरर है आपकी पार्ट ए में. तो जो भी स्टूडेंट्स बी बोल रहे थे, ध्यान से समझ लो इस चीज को. सेकंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नहीं, गलत हो जाएगा मंजीत. बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस आता है. टू आई क्वेश्चन इज डिफिकल्ट. डिफिकल्ट को इजी बना दे, अब तो इजी हो गई इंग्लिश. टू आई क्वेश्चन इज इजी. चलो, हाँ जी, ए में एरर होगा. टू आई क्वेश्चन इज इजी, एरर होगा पार्ट ए में. अरे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? शी की जगह हर आएगा. टू, अब टू क्या है? प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन के साथ केस कौन सा आना चाहिए? आई. आई ने मतलब ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी. तो टू मी क्वेश्चन इज इजी, करेक्ट. बहुत बढ़िया रविंद्र, शी एंड आई नहीं आएगा, हर एंड मी आएगा बिटवीन की वजह से. चलो 27th, अभी हम एक चीज पढ़ के आए हैं, भूल तो नहीं गए कि प्रेपोजिशन के साथ आपका हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस लगता है. ठीक है, तो प्रेपोजिशन के साथ जब हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो आपके सामने एक रूल आता है कि सब्जेक्ट वन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट टू, तो इसके साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आती है. अब इस रूल को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्रैम करके बैठे हैं कि सब्जेक्ट वन जुड़ा है प्रेपोजिशन से, फिर सब्जेक्ट टू से, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग. लेकिन क्रैम करने की नीड ही नहीं है. एक बात समझो कि वर्ब की प्लेसमेंट तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है. अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग होगी. तो एक बात को ध्यान से समझो कि प्रेपोजिशन के साथ तो हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो वर्ब आएगी सबसे पहले यहीं पे. लेकिन यहाँ पे कौन है?
ऑब्जेक्टिव केस बैठा हुआ है तो उसको जाके इस सब्जेक्ट वन को अपना सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट से बताओ, ये चीज समझ में आई कि प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन वर्ब तो हमेशा ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए ना, ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग तो नहीं आएगी। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, एप्पल्स ऑफ शिमला इज या आर टेस्टी, क्या आना चाहिए? एप्पल्स ऑफ शिमला इज या आर टेस्टी, आंसर आया है कि इज होगा। ओके, देखते हैं क्या होना चाहिए। रूल आपके सामने ऊपर ही लिखा हुआ है, फटाफट से मुझे बताओ एप्पल्स ऑफ शिमला इज या फिर आर टेस्टी। ओके, अब एक बात को समझो, सब्जेक्ट वन प्रेपोजिशन से जुड़ा है सब्जेक्ट टू के साथ, तो शिमला की वजह से आप इस देख रहे हो, लेकिन एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है? एप्पल्स, और एप्पल्स क्या है? प्लूरल है, तो आना चाहिए आर। बहुत बढ़िया। और अगर तुम वो भी लगाओगे, सेंस भी लगाते हो, तो क्या आना चाहिए? टेस्टी का मतलब क्या, आप शिमला को थोड़ी ना खाओगे, उठा के एप्पल्स को ही खाओगे, तो एप्पल्स ऑफ शिमला आर टेस्टी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी इसको बोला जाता है, यानी कि जो नियर है उसके अकॉर्डिंग, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आपके सामने रीजन है, क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे, 28। इट के दो ही रूल है, ग्रामर में इट के दो ही रूल है, रट लो इन दो रूल्स को। क्या? एक तो इट के साथ हमेशा ही सब्जेक्टिव केस आता है, इट के साथ हमेशा ही कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। दूसरा क्या? इट के साथ हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। एक तो इट के साथ हमेशा ही सब्जेक्टिव केस, दूसरा इट के साथ हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो फटाफट से इस सेंटेंस को ठीक कर दो। एक एक सेकंड के क्वेश्चंस हैं, फटाफट से मुझे 28 क्वेश्चन का जो एग्जांपल है उसको ठीक करके बताओ। इट इज मी हु स्पोक फर्स्ट, इट इज मी हु स्पोक फर्स्ट, क्या आना चाहिए बताओ? इट इज मी हु स्पोक फर्स्ट। हां जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो, इट के साथ सिंगुलर ठीक है, इट के साथ केस भी तो चेक करो ना, क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस। अच्छा, ये सेंटेंस ठीक करो, इस सेंटेंस को ठीक करो, सेकंड सेंटेंस, इट वर देम हु, आगे जो भी स्पोक फर्स्ट या कुछ भी। हां जी, करेक्ट मंजीत, फटाफट से सेकंड सेंटेंस को ठीक करो, इट वर देम हु, तो क्या आएगा सेकंड सेंटेंस में, क्या लिखोगे? इट वर देम आर, आर की तो कोई मतलब टेंस तो चेंज होता ही नहीं है, इट वर देम क्या आना चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नहीं, थोड़ी सी दिक्कत है निशांत। इट वॉज होगा, ठीक है, इट वॉज कर दिया, और बताओ। करेक्ट आंसर नहीं आया अभी तक एक भी। हां जी, करेक्ट, देखो आना चाहिए इट वॉज दे, एक तो सिंगुलर और एक सब्जेक्टिव, दो ही चीज तो बताई है अभी अभी, बताया है कि दो रूल आपको ध्यान रखने हैं। चलो 29th पे आओ। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस की अगर बात की जाए, पहले हमने एक सेंटेंस किया था उसमें शी और मी एक साथ लिखा हुआ था, तो देखो एक बारी पर्सन से समझ लो, आपके जो सब्जेक्टिव केस होते हैं वो होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये आपके सब्जेक्टिव केस होते हैं। तो इसमें से आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, और बाकी सारे होते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। हाँ जी, इट वॉज देम नहीं होगा, दे होगा, तो आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन। देखो ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होगा, सेकंड पर्सन हमेशा लिसनर होगा, और थर्ड पर्सन हो सकता है कॉन्वर्जेशन में एक्टिव ही ना हो, सकता है उसके बारे में बात करें, हो सकता है उसके बारे में बात ना करें। तो जब भी एक से ज्यादा पर्सन एक साथ प्रेजेंट हो सेंटेंस में, तो क्या करना चाहिए? तो देखो, अगर तो सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है, अगर तो सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है, तो क्या आना चाहिए? तो सबसे पहले आप
सेकंड पर्सन लिखोगे, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन। क्योंकि आपने एक चीज सुनी होगी कि नेकी कर और दरिया में डाल, यानी कि अगर कुछ अच्छाई का काम है तो खुद को क्रेडिट सबसे लास्ट में लेना है। सबसे पहले क्रेडिट उन महाशय को जो यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बाद क्रेडिट उनको जो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है कॉन्वर्जेशन में, सबसे लास्ट में क्रेडिट जाएगा मुझे, ठीक है। लेकिन जब भी नेगेटिव होता है, कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी नेगेटिव सेंस हो, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जो यहाँ प्रेजेंट है, और उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में उसकी बात होगी जो कॉन्वर्जेशन में एक्टिव ही नहीं है। क्लियर हुआ? तो उस टाइम पे आप कैसा स्ट्रक्चर रखोगे, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन और लास्ट में थर्ड पर्सन। क्लियर हुआ? अब एक चीज नोटिस करो कि सेकंड और थर्ड पर्सन का ऑर्डर तो फिक्स है, बस फर्स्ट पर्सन को ही मतलब आगे पीछे रखना है कि अगर पॉजिटिव है तो लास्ट में और नेगेटिव है तो सबसे पहले। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल्स से देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को ठीक करके बताओ, फर्स्ट को और सेकंड को इकट्ठा ही ठीक करो, बस लिख देना कि फर्स्ट का फिर आगे आंसर, सेकंड का फिर आगे आंसर। ही आई एंड यू हैव सबमिटेड द असाइनमेंट, ही आई एंड यू हैव सबमिटेड द असाइनमेंट, या फिर क्या होना चाहिए। और सेकंड की अगर बात की जाए तो यू शी एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक, क्या आना चाहिए, फटाफट से ठीक करो। फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस फटाफट से ठीक कर दो। ही आई एंड यू हैव सबमिटेड द असाइनमेंट, यू शी एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक। हाँ जी, देखो बिल्कुल सही। सबसे पहले देखो, फाइल्स को सबमिट किया, असाइनमेंट को सबमिट किया, पॉजिटिव सेंस है, सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन, उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन, और सबसे लास्ट में आएगा फर्स्ट पर्सन। इसकी बात की जाए, मिस्टेक की बात हो रही, क्या करो, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, उसके बाद जो यहाँ प्रेजेंट है, और सबसे लास्ट में मिस्टेक है उसकी जो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्वर्जेशन में प्रेजेंट ही नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, सेकेंड का आई यू एन शी करेक्ट पूजा, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है सारी चीजें? बिल्कुल सिंपल सिंपल रूल से, ध्यान से समझोगे तो क्रैम करने की भी नीड नहीं है। पोजेसिव केस समझो, 30th रूल आपका। पोजेसिव केस समझो क्या होता है, माई आर योर हिज हर इट्स देयर, ये होते हैं आपके पोजेसिव केस। माइन आर्स योर्स हिज हर्स इट्स या देयर्स, ये भी होते हैं पोजेसिव केस। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो ये वाले केसेस हैं, इनके साथ हमेशा हमें नाउन चाहिए, और ये वाले केसेस के बाद कभी भी हम नाउन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाले जो रूल्स हैं, इसके साथ आपको नाउन चाहिए होगा, ये वाले जो वर्ड मतलब ये वाले जो वर्ड्स लिखे हुए हैं पोजेसिव वर्ड्स, इनके साथ नाउन की नीड नहीं है। ओके अनुराग, अभी एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, फिर बताना। चलो पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। दिस इज माइन बुक, दिस इज माइन बुक, क्या आना चाहिए? एग्जाम में आसान ही आता है, कभी भी इस चीज को ये मत समझना कि एग्जाम आपसे बहुत ही ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन पूछ लेगा। परसों की जो फर्स्ट नवंबर की क्लास है, उसमें आप देखोगे मेंस के क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे अभी 2018 वाले, और आप देखोगे कितने आसान क्वेश्चंस हैं। तो जो भी लोग टफ आता है ये बोलते हैं, वो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। 2018 प्री के क्वेश्चंस किए, कितने मुश्किल से, बिल्कुल सिंपल सिंपल रूल्स पूछे गए थे डायरेक्ट डायरेक्ट। तो ये कभी मत सोचो कि एग्जाम बहुत टिपिकल जाके पूछ रहा है आपसे। चलो, दो तरीकों से आप इस सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात, नाउन। देखो एक बात ध्यान रखो, नाउन की पहचान करना सीखो। नाउन की पहचान की जा सकती है सेंटेंस में कब, जब आप उसको, जब आपको आंसर मिले या तो व्हाट का, या तो हुम का, या तो व्हाट हु का, या फिर हुम का। ये तीन वर्ड्स के अगर आपको आंसर मिल रहे हैं ना, तो वो नाउन है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि दिस इज व्हाट, तुम कहोगे मैम बुक, बुक क्या है, नाउन है। तो अगर नाउन प्रेजेंट है तो माइन नहीं होगा, फिर होगा माइन। दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो, दिस बुक इज माइन, सेम सेंटेंस है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि शी इज अ वाइफ ऑफ माइन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, शी इज अ वाइफ ऑफ माइन,
क्या ऐसे लिख सकती हूँ कि दिस इज अ बुक ऑफ माइंड. आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, पहला और दूसरा, ये यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं. पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस बताओ कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत. शी इज अ वाइफ ऑफ माइंड, दिस इज अ बुक ऑफ माइंड. दो आपके सामने सेंटेंसेस है, मुझे फटाफट से बताओ कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है. रिफ्रेश करो राहुल, रिफ्रेश कर लो और मुझे आंसर बताओ कि फर्स्ट और सेकंड कौन सा सही है कौन सा गलत है. शी इज अ वाइफ ऑफ माइंड, दिस इज अ बुक ऑफ माइंड. क्या होना चाहिए? बोथ रॉन्ग. देखो दिस वन इज करेक्ट, सॉरी सेकेंड वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज रॉन्ग. आप इस तरीके से तब लिख सकते हो जब आपके पास चॉइस हो, जब आपके पास वैरायटी हो. अब बुक की अगर बात की जाए तो 100 बुक में से एक बुक की बात हो रही है, लेकिन वाइफ क्या है? वाइफ तो एक ही होगी ना, तो शी इज माय वाइफ कहना ठीक है, अ वाइफ ऑफ माइंड नहीं कहोगे. हाँ ये कह सकते हो शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, क्यों? फ्रेंड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं. क्लियर हुआ? तो एक सही एक गलत. क्लियर हो गया कि पोजेसिव केस को यूज किस तरीके से करना है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो आप लोग ये लिखते हो योर्स फ्रेंडली, लेटर के एंड में लिखते हो ना योर्स फ्रेंडली, मुझे एक बात बताओ, योर्स फ्रेंडली लिखते हो अभी मैंने, लेकिन आपको बताया कि योर्स के बाद तो नाउन आना ही नहीं चाहिए, तो ये फ्रेंडली कैसे आ गया? फटाफट से बताओ कि योर्स फ्रेंडली जब लिखते हैं तो योर्स के बाद तो आना ही चाहिए नाउन. फ्रेंड आपका होता है नाउन और फ्रेंडली होता है एडजेक्टिव. ठीक है, तो योर्स फ्रेंडली कहना बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस नाउन नहीं होना चाहिए इन वाले वर्ड्स के बाद. चलो आगे बढ़ते हैं. 31st रूल की अगर हम बात की जाए तो देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. अब कुछ वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो. ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट का आंसर हमें मिल सकता है या तो व्हाट से मिलेगा या फिर हुम से मिलेगा. हाँ जी करेक्ट, फ्रेंडली एडजेक्टिव है, बिल्कुल सर, एडवर्ब नहीं है. मंजीत एक बात को ध्यान से समझो, हर एलवाई लगा वर्ड एडवर्ब नहीं होता. ठीक है, बोलते हैं ना हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो वैसे ही हर एलवाई लगा वर्ड एडवर्ब नहीं होता. क्या होता है, कैसे होता है, ये जब एडवर्ब्स के रूल्स पे पहुंचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. करेक्ट अनुराग, बहुत बढ़िया, थैंक यू विकल्प. चलो अब फटाफट से यहाँ पे आओ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर बात की जाए तो कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पे कुछ वर्ब्स होती है, अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो तो उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं हम. वो वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? एंजॉय, एक्विट, एक्सर्ट, अप्लाई, एडजस्ट, एब्सेंट, अवेल. अवेल के साथ हर सिचुएशन में होगा रिकनसाइल. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा ही एंजॉयड द म्यूजिक इन द पार्टी. अगर मैं पूछूं ही एंजॉयड व्हाट, तुम कहोगे मैम म्यूजिक, तो म्यूजिक क्या है नाउन है. ही एंजॉयड वेयर, तुम कहोगे मैम इन द पार्टी, तो वेयर क्या है एडवर्ब. वेयर का आंसर हमें एडवर्ब से मिलता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो सेकंड सेंटेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ ही एंजॉयड इन द पार्टी. यहाँ पे सिर्फ मुझे वेयर का आंसर मिलेगा, व्हाट का आंसर नहीं मिलेगा, जबकि ऑब्जेक्ट का आंसर सिर्फ और सिर्फ व्हाट और हुम देता है. तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि ही एंजॉयड व्हाट, तो तुम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालोगे क्या? ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी. चलो समझ में आया. अब कुछ वर्ब्स अगर ऐसी हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो कुछ वर्ब्स ऐसे भी होंगी जिनके साथ किसी भी सिचुएशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा. वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं? स्टार्ट, स्टॉप, कीप, हाइड, बेथ, शेव, क्वालिफाई. ठीक है, शी क्वालिफाइड हरसेल्फ इन द एग्जामिनेशन, नो शी क्वालिफाइड, दैट्स इट. अब यहाँ पे किसी को ये तो नहीं लिखा लग रहा कि बात की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो एक बात समझो, बी ए टी एच होता है आपका बात, ये नाउन है, और बी ए टी एच ई होता है आपका बेद, ये है वर्ब. ठीक है,
ध्यान से समझना है. सिमिलरली एडवाइस और एडवाइस दो वर्ड्स होते हैं. एडवाइस होता है नाउन और एडवाइज होता है एस वाला, उसको बोलते हैं हम वर्ब. तो यहाँ पे देखो ही बेदिड हिमसेल्फ नहीं होगा, हिमसेल्फ नहीं होगा, ठीक है. तो बेद के साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है. समझ में आया? चलो फटाफट से मुझे आंसर करो. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो आपको मैम एग्जाम्पल सिंपल है, उसके साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स बता भी तो रही हूं. बेसिक्स लिखे हुए हैं, एडवांस लेवल के हम कर रहे हैं, अब ये एग्जाम्पल्स हैं. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आप मुझे ये बताओ. देखो ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं. रेसिप्रोकेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लेन देन. तो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा नहीं होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है लेन देन एक तरीके से, ठीक है. तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर किसी ने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया तो मैं ये कह सकती हूँ कि आई रेसिप्रोकेटेड द जेस्चर, मतलब मैंने भी उनको गुड मॉर्निंग विश किया. तो ईच अदर की अगर बात की जाए तो ये हमेशा दो लोगों के केस में होता है, और वन अनदर की अगर बात की जाए तो जब भी नंबर ग्रेटर देन टू होगा तब हम वन अनदर की बात करेंगे. क्लियर है? फटाफट से समझो इस चीज को. ईच अदर दो के कंसर्न में और वन अनदर दो से ज्यादा के कंसर्न में. तो फर्स्ट सेंटेंस की अगर बात की जाए, राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू each other या वन अनदर, फटाफट से बताओ. राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू each other या वन अनदर, यहां पे बताओ. राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू, करेक्ट मंजीत. देखो दो लोगों की बात हो रही है, सिंपल सी बात आएगी, क्या आएगा? each other. यहाँ पे ऑल दी स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू. अब आपको नहीं पता कि ऑल में कितने बंदे हैं, ठीक है. तो हम जनरली ये मान के चलते हैं कि दो लोग होते तो वो बोल देता, बोथ का वर्ड यूज कर, बोथ वर्ड यूज कर लिया जाता है. लेकिन यहाँ पे दो से ज्यादा की बात हो रही होगी तो यहाँ पे हमने किया वन अनदर. लेकिन अब मैं एक बात लिखती हूँ, ऑल दी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हटाओ इस आर टॉकिंग टू, यहाँ पे लिखो ऑल दी स्टूडेंट्स शुक हैंड्स विद, हैंड्स विद, क्या आना चाहिए? ईच अदर या वन अनदर, हैंडशेक की बात हो रही है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और सभी स्टूडेंट्स, ऑल दी स्टूडेंट्स शुक हैंड्स विद ईच अदर या वन अनदर, क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ऑल दी स्टूडेंट्स शुक हैंड्स विद ईच अदर या वन अनदर, फटाफट से बताओ. ऑल दी स्टूडेंट्स शुक हैंड्स विद ईच अदर या फिर वन अनदर. अब देखो आपको लगेगा कि ऑल दी स्टूडेंट्स है, सिमिलरली वन अनदर आना चाहिए. लेकिन एक बात समझो, जब भी हैंडशेक की बात होती है तो हैंडशेक में एक साथ कितने बंदों की इन्वॉल्वमेंट होती है? दो की. तो शेक हैंड्स में हमेशा आएगा ईच अदर. तो आपको ये नहीं देखना कि कितने बंदे प्रेजेंट है, आपको ये देखना है कि कितने बंदे एक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं. बातचीत में कितने बंदे थे? दो यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे हैंडशेक में भी कितने ही होंगे? दो ही बंदे होंगे, ठीक है. हाँ जी, बहुत बढ़िया मंजी, करेक्ट राहुल. वन अनदर नहीं होगा, ठीक है. मैं यहाँ पे अगर एक चीज लिख देती हूँ कि ऑल दी स्टूडेंट्स हग ईच अदर, क्या आएगा? ईच अदर, क्योंकि गले जब मिलते हैं तभी दो ही लोग मिल सकते हैं जनरल सेंस में, ठीक है. चलो ये रूल क्लियर हुआ अच्छे से. बस आपको ये देखना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंड पाक आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर होगा, क्योंकि क्रिकेट मैच एक बार में कितने लोग खेल सकते हैं, कितने टीम्स एक साथ खेल सकते हैं? दो ही लोग, दो ही टीम्स. अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, 34th रूल की अगर बात की जाए तो देखो ईच आइदर नाइदर, ईच आइदर नाइदर, इनके साथ कोई भी सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है. लेकिन वर्ब की प्लेसमेंट क्या होती है इनके अकॉर्डिंग होगी, और ईच का मतलब होता है बहुत सारों में से एक, आइदर का मतलब होगा दो में से एक, नाइदर का मतलब होगा दो में से कोई नहीं, ठीक है. तो ये अपने आप में सिंगुलर है, तो इनके साथ हमेशा प्लेसमेंट किसकी होगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की. अब चाहो तो इस रूल को नया मान लो, चाहे तो इस रूल को पुराना वाला ही समझ लो. कैसे? अभी एग्जाम्पल से पता लग जाएगा. मुझे ये बताओ, अभी ये सेंटेंस 2018 का आया हुआ है, 2018 प्री का जो है सीरियल उसका ये सेंटेंस है. ईच ऑफ द गर्ल्स हैज या फिर हैव गिवन एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस. अब यहाँ पे लिखा हुआ था हैव, मुझे बताओ हैव आना चाहिए या हैज आना चाहिए?
Each of the girls have given an impressive performance. यहाँ पे have आना चाहिए या has correct था? फटाफट से बताओ। यहाँ पे has ठीक था या फिर have आना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? फटाफट से बताओ मुझे। स्वाति कह रही है कि has आना चाहिए। ओके देखो अभी आपको बताया ईच के साथ जो और सब्जेक्ट आता है वो प्लूरल आता है, तो गर्ल्स है प्लूरल है, लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? ईच के अकॉर्डिंग तो आना चाहिए हैज। ठीक है, अब चाहे तो इस रूल को नया मान लो या एक सिंपल से समझो चीज। सब्जेक्ट वन प्रेपोजिशन से जुड़ा है, सब्जेक्ट टू के साथ वर्ब आएगी सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वन आपका सिंगुलर है। समझ में आया? तो ये रूल तो हम कर चुके हैं ना, तो आपको ये नहीं समझना कि हर रूल नया रूल है। नहीं, बहुत सारी चीजें हम कर भी चुके होते हैं, बस ये नहीं पता होता कि हाँ हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 35th रूल की अगर बात की जाए तो ये रूल में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है। एक बात को ध्यान से समझ लो, वन की अगर बात की जाए तो दो तरीकों से मैं यूज कर सकती हूँ, एक तो जनरल सेंस, एक स्पेसिफिक सेंस। एक तो जनरल सेंस होगा और एक स्पेसिफिक सेंस। तो जब भी जनरल सेंस, जनरल का मतलब ही क्या है? सभी पे अप्लाई। अब जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर ऑब्जर्व करें, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, सबको अपने वादे मतलब रखने चाहिए, तो इसका ये सेंटेंस सिर्फ कुछ लोगों पे लागू होगा या सब पे लागू होगा? सब पे होगा, तो ये जनरल सेंस है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो जब भी जनरल सेंस होगी तो वन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और आगे जो पोजेसिव केस है वहां यूज होगा वंस, इसका पोजेसिव केस। लेकिन स्पेसिफिक सेंस यानी इसके साथ हमने इसको लिमिट कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ कह दिया वन ऑफ द बॉयज, अब ये बात किस पे लागू हो रही है? जो जिन बॉयज की मैं बात कर रही हूँ उनमें से ही एक की, तो मैंने इस चीज को क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो जब भी स्पेसिफिक सेंस की बात होगी तो उस केस में पोजेसिव केस कौन सा यूज करेंगे इस पे डिपेंड करेगा। वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क। ठीक है, वन ऑफ द, अगर यहाँ पे जैसे गर्ल्स लिख देती हूँ वन ऑफ द गर्ल्स, फिर क्या आ जाएगा? हर वर्क। क्लियर हुआ? तो पोजेसिव केस आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि वन को देखते ही वंस लगा दो। नहीं, आपको ये देखना है कि जनरल सेंस की बात हो रही है या स्पेसिफिक सेंस की बात हो रही है, अकॉर्डिंगली फिर आपको रूल लगाने हैं। क्लियर हुआ? चलो 36th की बात की जाए। अब हुम हुज, ये तीनों चीज समझ के चलना। हु आपका सब्जेक्टिव केस है, हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस है। अब देखो हुज आपका पोजेसिव केस है, ध्यान से समझो। हु आपका लिविंग के लिए यूज किया जाता है। अब आप मुझसे पूछोगे मैम अपोस्ट्रोफी एस क्यों नहीं लगा देते, तो इस चीज को क्या माना जाता है? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कॉन्ट्रेक्शन। जैसे कि यहाँ पे एक चीज लिख दी कि शीज। अब मैंने आपको बताया कि अपोस्ट्रोफी एस नाउन के साथ लगता है, शी प्रोनाउन है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हो सकता है ये शी इज हो सकता है ये शी वॉज हो। इसको बोला जाता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कॉन्ट्रेक्शन। उस केस में इसको अपोस्ट्रोफी एस नहीं बोलते, इसको बोला जाता है रेज्ड कॉमा। इसको बोला जाता है रेज्ड कॉमा। तो यहाँ पे देखो तो हुज क्या हुआ, इसका मतलब हो सकता है हु इज, इसका मतलब हो सकता है हु वॉज। तो ये सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कॉन्ट्रेक्शन है। अब मुझे चाहिए पोजेसिव केस, पोजेसिव केस कैसे बताया जाए? इसीलिए हम हु का पोजेसिव केस किसको मान के चलते हैं? हुज को, मतलब मान के नहीं चलते, हु का पोजेसिव केस हुज ही होता है। विच की अगर बात की जाए तो विच के सिलेक्शन के लिए आता है और ऑब्जेक्ट्स के लिए, मेन इसका काम होता है सिलेक्शन। देखो आप एग्जाम में जाते हो तो वहां लिखा होता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन दिस अवार्ड, तो वहां पे जब पर्संस की बात हो रही है फिर भी विच क्यों? क्योंकि सेलेक्ट करना है, आपको चार ऑप्शन दिया, आप उन्हीं में से सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी और बंदे का नाम भी ले आओ। समझ में आया? तो सिलेक्शन के लिए भी विच का यूज किया जा सकता, मतलब विच का यूज किया जाता है। अब मुझे फटाफट से बताओ आई नो डैश आई एम टॉकिंग टू क्या आना चाहिए? आई नो डैश आई एम टॉकिंग टू हु आना चाहिए, हुज आना चाहिए या फिर विच आना चाहिए या फिर हुम आना चाहिए, क्या आएगा? आई नो डैश आई एम टॉकिंग टू, फटाफट से मुझे बताओ कि क्या आना चाहिए। आई नो डैश आई एम टॉकिंग टू, आंसर करके देखो। हाँ जी करेक्ट हरित, आना क्या चाहिए? आंसर करके देखो, आई एम टॉकिंग टू से राधा,
आई एम टॉकिंग टू राधा है, सबसे पहली बात तो प्रेपोजिशन के बाद आया है, ऑब्जेक्टिव केस है। आपको आंसर किसका मिल रहा है? ऑब्जेक्टिव केस का। ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या आता है? तो आई नो हुम आई एम टॉकिंग टू, करेक्ट। ठीक है, अब एक बात को समझो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि हु इज योर फादर, तो तुम मुझे क्या करोगे? आंसर करोगे, उनका नाम बताओगे। अगर मैं तुमसे पूछूं वॉट इज योर फादर, इसका मतलब है मैं प्रोफेशन की बात कर रही हूँ। और अगर मैं कहूँ विच इज योर फादर, इसका मतलब है कि सपोज वहां पे 10-12 बंदे हैं, उनमें से तुमको सेलेक्ट करने के लिए पूछ रही हूँ कि विच इज योर फादर। समझ में आया? तो हु, वॉट, हुम, विच, हुज, ये सभी के फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। क्लियर है भाई? करेक्ट सत्यम, करेक्ट आदित्य, हुम आना चाहिए, बिल्कुल सही। अब फटाफट से बढ़ते हैं आगे रूल की तरफ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, टॉप 100 में हम सारी ग्रामर कवर कर रहे हैं, फिर भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में से होता है ना कि कोई एक, जैसे प्रोनाउन है, प्रोनाउन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटिव प्रोनाउन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो चलो फटाफट से यहाँ पे देखो, अब रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का कहाँ यूज किया जा सकता है, हुज का कहाँ, पोजेसिव केस के कंसर्न में ये चीजें क्लियर हो जाएगी। हु और हुम का बेसिकली समझो तुम, जब भी एक पर्सन की बात हो रही है और उसी पर्सन की वहां पे बात हो रही है और ये जो वर्ब है इस पर्सन के ही अकॉर्डिंग हो तो वहां पे वर्ड आता है हु, लेकिन जैसे ही डिफरेंट हो जाए, यहाँ पे किसी एक बंदे की बात हो रही है, वहां पे जाके सब्जेक्ट ही डिफरेंट हो गया, फिर वहां पे आता है हुम। क्लियर है? तो फर्स्ट और सेकंड दो रूल आपके, दो सेंटेंसेस आपके सामने, आप मुझे बताइए कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। करेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट कैसे किया जाए। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, ही हेल्प द वुमेन हुम वांटेड टू क्रॉस द रोड, अभी उसने उसी महिला की हेल्प की जिसको रोड क्रॉस करनी थी। तो ये जो सेकेंड सेंटेंस है रिलेट किससे हो रहा है, इसी वुमेन से हो रहा है, तो हुम नहीं आएगा, आएगा हु। He helped the women who wanted to cross the road. Second sentence की बात की जाए, the man had a daughter who he loved very much. अब देखो, the man had a daughter. अब यहाँ पे अलग person की बात हो रही है, यहाँ पे फिर different ही subject हो गया, तो आना चाहिए whom he loved very much, जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे change कर दू, the man had a daughter. ही को हटाया, लव्ड हिम वेरी मच, जो उसको ज्यादा प्यार करती थी, फिर सेम चीज हो जाएंगे, फिर यहाँ पे हु जज जाएगा। ठीक है, मतलब हु आना चाहिए फिर वहां पे, क्योंकि सेम सब्जेक्ट है, उसके बाद वही वर्ब कंटिन्यू हो रही है। नेक्स्ट रूल की अगर बात की जाए, हाँ जी करेक्ट मंजीत, बिल्कुल सही, हु ही लव्ड वेरी मच, हुम ही लव्ड, जिसको, डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया ना, डॉटर अलग है, उसके बाद ये पर्सन की बात हो रही है, फिर यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट की बात हो जाएगी, तो आपका आना चाहिए हम। चलो 38th रूल पे आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज कहाँ कहाँ किया जाना चाहिए, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउन वन और नाउन टू एंड से जुड़े हो, ये डिफरेंट कैटेगरी हो, सपोज कर लो एक पर्सन है, एक कोई एनिमल है, तो ही हैड सीन द डॉग एंड द कैट, सॉरी ही हैड सीन द बॉय एंड द कैट दैट ड्राउंड यस्टरडे। अब बॉय के लिए चाहिए, कैट के लिए, एनिमल्स के, तो सभी के साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज द सेम मैन, अब मेन मैन को देख के आपको लगेगा कि वो आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, ही इज द सेम मैन दैट वॉन्टेड दैट आई सॉ इन द मार्केट। क्लियर हुआ? फटाफट से मुझे बताओ, क्लियर हुआ? ही इज द सेम मैन दैट आई सॉ इन द मार्केट, हु नहीं होगा, इज द सेम की वजह से आना चाहिए दैट। बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, स्टार मार्क कर लो। क्लियर हुआ भाई? 40th रूल, अब बात करते हैं सम और एनी, सम का यूज कहाँ किया जा सकता है और एनी का यूज कहाँ किया जा सकता है। तो देखो, सम का यूज सिंगुलर, सम का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है, एनी का भी यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही के साथ हो सकता है। सम का यूज आप सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ कर सकते हो, एनी का यूज सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ होगा।
ठीक है। सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में, एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में, इस बात को ध्यान से समझो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शी हैज सम फ्रेंड्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन जैसे ही हमने इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो क्या आ जाएगा, शी डज नॉट हैव एनी पेन, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ। डू यू वॉन्ट डैश कॉफी, इज देयर एनिमल। अब सपोज करो यहाँ पे क्यों सम लिखा है, यहाँ पे क्यों एनिमल लिखा है, एक बात को ध्यान से समझना। जनरली आपको बुक्स में मिलेगा कि इंटरोगेटिव के साथ सिर्फ एनी का यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सर्टेन सिचुएशंस होती हैं जहां पे आप एक सेकेंड, सर्टेन सिचुएशंस होती हैं आपकी जहां पे आप यूज कर सकते हो। हाँ जी, अच्छा कोई दिक्कत आ रही है ये बताओ, चलो स्टार्ट बताओ फिर से। जनरली आपको बुक्स में मिलेगा कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें एनी का यूज किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। कैसे, अगर किसी ऑफर की बात हो रही है या किसी प्रपोजल की बात हो रही है या किसी रिक्वेस्ट की बात हो रही है तब आप यूज करोगे सम, यानी कि जब भी पॉजिटिविटी की बात होगी तब आप यूज करोगे सम का, लेकिन अगर कोई भी डाउट है, कोई भी अनसर्टेनिटी है तब आप यूज करोगे एनी का। तो डू यू वॉन्ट सम कॉफी क्या है, रिक्वेस्ट है, इज देयर एनीवन यहाँ पे क्या है, डाउट है। अब समझ में आया कि जनरली नहीं होता कि सभी नेगेटिव्स के साथ सिर्फ आप एनी का यूज कर दो, सभी इंटरोगेटिव्स के साथ आप सभी एनी का यूज कर दो। ओके नाउ रिफ्रेश, रिफ्रेश करके देखो। तो देखो क्लियर हो गया, तो ये 40 रूल्स कवर किए। आगे बढ़ते हैं, मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है, मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल। अब ये मत समझना कि मैम प्लूरल काउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल नाउन दो पॉसिबिलिटी है, या तो सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो। तो जब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात होगी तब हम मेनी का यूज करेंगे और अनकाउंटेबल के साथ मच का। ये जो सेंटेंस है ये वाला, ये 2018 के सीजीएल के प्री का आया हुआ है। अब आप मुझे कह रहे हो मैम इजी से करा रहे हो, इजी ही आते हैं एग्जाम में, तो देयर इजंट क्या आना चाहिए, फटाफट से आप लोग मुझे बताओगे कि मच आना चाहिए या मैनी आना चाहिए, मच आना चाहिए या फिर मैनी, फर्स्ट और सेकंड ऐसे करके लिखना कि फर्स्ट में ये आना चाहिए सेकंड में ये, दो सेंटेंसेस आपके सामने। और जनरली होता ये है कि सीजीएल में ही आईएएस लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है एसएससी के एग्जाम्स में से, तो फटाफट से बताओ क्या आना चाहिए। देयर इजंट डैश राइस लेफ्ट, ही हैज डैश फ्रेंड्स, बस आपको ये पहचानना है कि नाउन कौन सी है और फिल कर देना है। बहुत बढ़िया, राइस क्या है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन यानी कि क्या, अनकाउंटेबल, क्या आएगा, मच। अब एग्जामिनेशन में दिया हुआ था मैनी, क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ही हैज डैश फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल है, मैनी फ्रेंड्स। अगर सपोज यहाँ पे मनी होता क्या आ जाता, मच आ जाता। बहुत बढ़िया हुई, चलो 42nd पे आओ, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। फर्दर के साथ हम टू का यूज करते हैं, फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट या फिर इन एडिशन टू, तो उसके साथ टू ही प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, जबकि फर्दर जो वर्ड है इसके साथ हम देन का यूज करते हैं। क्यों, ध्यान से समझना, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। हेलो आरती, गुड इवनिंग। चलो यहाँ पे देखो, अब पॉजिटिव डिग्री होती है जहां पे किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जाए,
कंपैरेटिव डिग्री दो पर्सन्स के बारे में अगर कंपैरिजन हो, कंपैरेटिव डिग्री हमेशा ही अपने साथ वर्ड लेती है देन। सुपरलेटिव डिग्री होती है कंपैरिजन तो होगा दो से ज्यादा के बीच, लेकिन वो हमेशा दो से ज्यादा के बीच ही होगा, तो वहां पे वो चीज स्पेसिफिक हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ठीक है, तो कोल्डर के साथ हमेशा फिर वर्ड क्या आएगा, देन। अब ध्यान से समझो, टी एच ई एन भी नहीं, टी एच ए एन, देन, ये होता है देन, ये देन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फर्दर के साथ आप टू यूज करोगे, फादर के साथ आप देन यूज करोगे। सिमिलरली 43rd की बात की जाए तो एल्डर जो वर्ड है ये आता है ब्लड रिलेशंस के लिए, ओल्डर एज के लिए आता है, प्योर कंपैरिजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्योर कंपैरिजन, तो ओल्डर के साथ आप देन। अब एक बात को समझो, ओल्ड में से, ओल्डर में से मैं ईआर को हटा दूं तो मेरे को पॉजिटिव डिग्री मिल जाएगी, इसीलिए मैंने कहा कि ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन एल्डर में से अगर मैं ईआर को हटा देती हूं तो क्या मेरे पास कोई पॉजिटिव डिग्री बचेगी, नहीं बचेगी, इसीलिए एल्डर के साथ देन का यूज नहीं किया जा सकता। सिमिलरली फादर में से मैं ईयर को हटा देती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, फार, ठीक है, तो वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन फर्दर में से मैं ईआर को या फिर टीएच को भी हटा दूं तो मेरे पास कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं बचेगी। समझ में आया, हाँ जी, करेक्ट मंजीत। चलो अब आपके सामने एग्जांपल है, ही इज एल्डर टू माय सिस्टर बाय 3 इयर्स। आपके सामने दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, फटाफट से मुझे करेक्ट करके बता दो, फर्स्ट और सेकेंड। गाइस मतलब आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ही इज एल्डर टू माई सिस्टर बाय 3 इयर्स, ही इज माई ओल्डर ब्रदर। आपको करना क्या है, सेंटेंस को करेक्ट करके बताना है, फटाफट से करो। ही इज एल्डर टू माई सिस्टर बाय 3 इयर्स, ही इज माई ओल्डर ब्रदर। फटाफट से बताओ कि क्या आना चाहिए। हाँ जी, अब देखो एज का कंपैरिजन हो रहा है सीधा सीधा, मुझे नहीं पता किसकी बात हो रही है, लेकिन मुझे पता कि एज का कंपैरिजन हो रहा है, तो क्या आना चाहिए, ओल्डर देन। अब यहां पे देखो, ही इज माय ओल्डर ब्रदर, ब्लड रिलेशन की बात हो गई, और ये बताना है कि एज में बड़ा सिंपल बोलो, ही इज माय एल्डर ब्रदर, बात खत्म। बहुत बढ़िया, करेक्ट। चलो अब ये कंसेप्ट ध्यान से समझना। 44, लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है, फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। अब क्या डिफरेंस है, लिटिल फ्यू एक कैटेगरी है, द लिटिल द फ्यू एक कैटेगरी है, और अ लिटिल अ फ्यू एक कैटेगरी है। क्या लिटिल, इनका मीनिंग सेम होता है, बस ये कौन से नाउन के साथ यूज करना है ये आपको देखना पड़ेगा। लिटिल और फ्यू की बात की जाए तो इसका मतलब होता है ना के बराबर, ऑलमोस्ट निल, ये जो मीनिंग है ये नेगेटिव है, ठीक है। अ लिटिल और ऑफ यू का मतलब होता है थोड़ा बट इतना जिससे काम चल जाए, थोड़ा बट इतना जिससे काम चल जाए, तो ये सेंस है पॉजिटिव सेंस। द लिटिल और द फ्यू हमेशा ही स्पेसिफिक सेंस देंगे, ध्यान देना कहीं ना कहीं आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिख जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं हम सीख के आ चुके हैं, क्लियर है। अब देखो 100 में से 33 नंबर तुमको चाहिए डिस्क्रिप्टिव में पास होने के लिए, इतना तो पता है सबको। अब अगर तुम्हारे नंबर आते हैं 30 या फिर 0, बराबर है क्योंकि पास तो नहीं हुए, तो ये क्या है, फ्यू मार्क्स। लेकिन अगर आ जाते हैं सपोज 34, फिर क्या है, कम, लेकिन पास तो हो गए, फिर क्या है ये, फिर अ फ्यू मार्क्स, क्लियर हुआ। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, फटाफट से मुझे आंसर बताओ। डॉक्टर एडवाइज, अब देखो यहां पे वर्ब का यूज हो गया है, डॉक्टर एडवाइज्ड हिम रेस्ट फॉर डैश डेज, शी नीडेड डैश मनी टू बाय द कार, डैश मनी दैट शी हैड वाज स्पेंट लास्ट वीक। क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, डॉक्टर एडवाइज्ड हिम रेस्ट फॉर डैश डेज, डैश डेज, शी नीडेड डैश मनी टू बाय द कार, डैश मनी दैट शी हैड वाज स्पेंट लास्ट वीक। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हां जी आरती,
1 नवंबर से ही स्टार्ट होने वाला है कोर्स, मोस्ट प्रोबेबली मतलब नवंबर के फर्स्ट वीक से प्लैटिनम कोर्स स्टार्ट हो जाएगा प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा, ठीक है। तो वहां पे आपको सभी सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे और टिल एग्जामिनेशन चलने वाला है वो बैच। गुड इवनिंग नीतू। देखो अब डॉक्टर ने उसको रेस्ट के लिए बोला है, तो एक बात समझो, क्या उसको बिल्कुल रेस्ट नहीं करना है या इतना रेस्ट करना है कि वो ठीक हो जाए। सबसे पहले तो आएगा क्या, फ्यू, क्योंकि डेज कौन सा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो होगा अ फ्यू, पॉजिटिव सेंस, ठीक है। शी नीडेड डैश मनी टू बाय द कार। अब मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, होगा लिटिल, कौन से वाला लिटिल। अब उसे ना के बराबर पैसा चाहिए या इतना जिससे वो कार खरीद सके, तो शी नीडेड अ लिटिल मनी टू बाय द कार। अब यहाँ पे देखो मनी है, अनकाउंटेबल नाउन है, होगा लिटिल, कौन से वाला लिटिल। यहाँ पे देखो रिलेटिव प्रोनाउन है, हाँ कि ना, तो क्या आ जाएगा, द लिटिल। और वैसे भी हम पढ़ के आए हैं द लिटिल, द फ्यू, द फर्स्ट, द सेकंड, उनके साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होता है। क्लियर हुआ, बताओ इजी था कंसेप्ट। चलो अब मुझे फटाफट से एक और चीज बताओ, यहां पे मैंने लिखा है नॉलेज इज डेंजरस थिंग या इज डेंजरस, क्या आना चाहिए। पहली बात तो समझो नॉलेज अनकाउंटेबल है, होगा लिटिल। अब लिटिल नॉलेज या अ लिटिल नॉलेज क्या आएगा, करेक्ट आरती, करेक्ट आदित्य, द लिटिल आएगा थर्ड में, लेकिन नॉलेज में क्या आएगा, द लिटिल या अ लिटिल। दीप ज्योति, उसे कितना भी चाहिए, ना के बराबर तो नहीं चाहिए ना, इतना जितना उसका काम चल जाए, इसीलिए अ लिटिल। चलो फटाफट से मुझे ये बताओ, नॉलेज इज डेंजरस, तो करेक्ट आना चाहिए अ लिटिल, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। चलो फटाफट से थोड़ा सा कवर करते हैं, फटाफट से सॉरूल कवर करने हैं। तो देखो नेक्स्ट की अगर बात की जाए, द पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जिसमें एक व्यक्ति के बारे में बताया जाए, जैसे मैं कहूँ कि भीमा इज ब्रेव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है ब्रेव्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टिव, दिस इज रॉन्ग। मैं उसको प्लूरल सेंस दे सकती हूँ, मैं उसको प्लूरल बना नहीं सकती। प्लूरल सेंस कैसे दिया जा सकता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ द लगा के। जैसे ही मैंने द के साथ पॉजिटिव डिग्री लगाई, इसका मतलब है दुनिया में सारे भी ब्रेव। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं द ब्रेव आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, इसका मतलब क्या, दुनिया के जितने भी बहादुर लोग हैं सभी उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो जैसे ही मैंने इसको प्लूरल सेंस दिया, उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। समझ आया, द वाइज सेज दैट। अब द वाइज का मतलब क्या, दुनिया के जितने बुद्धिमान लोग हैं वो सभी, तो यहाँ पे वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल, तो द वाइज से दैट। क्लियर हुआ, हाँ जी अपडेट, ये वीडियो अवेलेबल रहेगी आपको। 46th की अगर बात की जाए, तो देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन और उसके बाद सब्जेक्टिव केस, इस रूल को ध्यान से समझो। राम इज टॉलर देन मी, मी नहीं होगा, होगा आई, क्यों होगा, इस बात को समझो। देन क्या है, देन आपका कंजंक्शन है और कंजंक्शन का काम होता है दो सब्जेक्ट्स को जोड़ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ना। अब सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से, तो ये यहाँ पे या तो हो सब्जेक्ट या फिर हो सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे वर्ब भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये कंजंक्शन है तो इसके बाद सब्जेक्ट फिर उसके बाद वर्ब, तो राम इज टॉलर देन आई एम, ठीक है, वो मुझसे ज्यादा लंबाई उसकी ज्यादा है। 47th की अगर बात की जाए, तो देखो पजेसिव केस की बात अगर हो रही होगी, तो बाद में हमको जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, सेंटेंस से समझो, His clothes are more expensive than me. अब उसके कपड़ों का comparison मुझसे, ऐसी तो possibility नहीं है ना, getting my point, equality की जो चीजें equal होगी उन्हीं के बीच में compare होगी। अब तुम किसी car का scooter, ना sorry car का, 48 की अगर बात की जाए, कुछ words ऐसे होते हैं जिनके साथ than का use नहीं किया जाता, इनको exceptions बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, एक्सेप्शन बोला जाता है, लेकिन एक्सेप्शन जैसा कुछ नहीं होता, ध्यान से समझना इस चीज को।
मैंने आपको बताया देन जो वर्ड है वो सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री के साथ आएगा। कंपैरेटिव डिग्री क्या, जिसमें से मैं पॉजिटिव डिग्री निकाल सकूं। तो सीनियर में से अगर मैं ओआर को हटा देती हूँ, क्या मेरे पास कोई पॉजिटिव डिग्री बचेगी? बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तो सीनियर, जूनियर, प्रेफर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, ये सभी के साथ मैं टू का यूज करती हूँ। और टू अपने आप में क्या है, प्रपोजिशन है, तो उसके बाद केस कौन सा आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही इज सीनियर देन आई नो ही इज सीनियर टू मी। आई प्रेफर टी देन कॉफी ना आई प्रेफर टी टू कॉफी, बात खत्म। हाँ जी, कंपैरेटिव डिग्री के साथ सुरेश देन आना चाहिए, टी एच ए एन। 49th रूल की अगर बात की जाए, देखो एंड वर्ड के साथ अगर एक तरफ पॉजिटिव डिग्री है तो दूसरी तरफ भी पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, तरफ कंपैरेटिव डिग्री है तो दूसरी तरफ भी कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, एक तरफ सुपरलेटिव डिग्री है तो दूसरी तरफ भी सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो ही इज हेल्दियर एंड ब्यूटिफुल देन श्याम, नो ही इज हेल्दियर एंड मोर ब्यूटिफुल, ही इज हेल्दियर एंड मोर ब्यूटिफुल। चलो 50th पे देखो, अगर बात हो रही है सेम पर्सन की, यहाँ पे तो देखो दो लोगों की क्वालिटीज की बात हो रही थी, तो दो लोगों के बारे में कंपैरिजन हो रहा था, लेकिन एक ही पर्सन की अगर दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो क्या करना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री में लिखो पहले तो दोनों क्वालिटीज, एक के साथ लगा दो लेस या फिर मोर, जो भी अकॉर्डिंगली, उसके बाद लगाओ देन, क्योंकि ये लेस और मोर ने इस देन की डिमांड को पूरी कर दिया। और पॉजिटिव डिग्री, जैसे ही इज मोर हेल्दी देन स्ट्रांग, वो हेल्दी ज्यादा है जितना कि वो स्ट्रांग नहीं है। क्लियर हुआ? ही इज मोर हेल्दी देन स्ट्रांग। जितने भी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन है, लाइव है, ध्यान से सुन लो, 1 नवंबर को आपकी रात को मतलब 8 बजे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन सब करने वाले हैं, 2018 मेंस के जितने भी क्वेश्चन थे सभी सेट के, ठीक है? आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके एनरोल करना है बस। अभी 100 के 100 रूल कर लो आराम से, ध्यान से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है आपको इस क्लास में आके। आप देखोगे खुद कि यही रूल्स आपको एंड में जाके हेल्प कर रहे हैं। समझ आया? यूपीएससी सीडीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, 2 फेब को उसका एग्जामिनेशन है। आप यूपीएससी सीडीएस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको अनअकैडमी प्लस पे प्लान्स मिल जाएंगे, बैचेस मिल जाएंगे जो टारगेट कर रहे होंगे। क्या करो, ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लो, इसमें आप इजिली प्रिपेयर कर पाओगे। ऐसा हर जगह नहीं होता कि आपको पवन राव सर की शीट भी लगाने मिले, अभिनय सर के बैचेस भी आपको मिले, ठीक है? तो एक ही प्लान में आपको मल्टीपल एजुकेटर्स के मल्टीपल बैचेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज मिल जाएंगे, चाहे फिर वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीएस हो या जनरल इंटेलिजेंस, सभी के सभी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एक ही प्लान में। इनके साथ साथ आपको मिलेंगे 100% फ्री मॉक टेस्ट ऑन लेटेस्ट पैटर्न, क्लास टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे, क्लास पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे हर क्लास के बाद, ठीक है? मतलब हर पर्टिकुलर क्लासेस के बाद आपको करना क्या है, ये प्लान आपको पड़ जाएगा करीब 4800 में, अगर आप रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा एंटर करते हैं तो, ठीक है? अगर आप 6 मंथ का प्लान लेंगे तो करीब आपको 3800 का पड़ जाएगा। करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाओ, प्लस सेक्शन में जाओ, एसएससी एग्जाम्स को चूज करो, अपना प्लान चूज करो, उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाना है, रेफरल कोड की जगह लगाओ डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा, उसके बाद क्रेडिट्स है वो लगाओ, आपको कुछ परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखना, रेफरल कोड की जगह लगाना है आपको डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस। बैंक्स के लिए, रेलवेज के लिए, किसी भी कोई भी आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना हो, अनअकैडमी प्लस पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, और आपको किसी भी प्लान के लिए आपको यही डिस्काउंट कोड का यूज करना है, ठीक है? बेस्ट रहेगा 1 ईयर का प्लान लो, प्री प्लस मेंस पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है? चलो ध्यान रखना, रेफरल कोड लगाओगे तभी आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। 51st रूल क्या है, दो एक्शन है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, ठीक है? तो इनको बोलते हैं प्रोपोर्शनल एक्शन, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने सीखा था छोटी क्लासेस में। तो देखो ये किस तरीके से लिखे जाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ द, और दूसरे में भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ द। आपको एग्जाम में ये सेंटेंस मिलेगा, द हायर यू गो कोल्डर इट इज, नो द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, ठीक है? 100% आपको यही एरर मिलता है।
नेक्स्ट रूल की बात की जाए तो देखो, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि हमको स्पेसिफिक बनाना है। लेकिन अगर पोजेसिव केस ऑलरेडी गिवन हो, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं, ठीक है? सॉरी, तब हम द का यूज नहीं करते हैं। ही इज द बेस्ट सिंगर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो देखो द कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे या यहाँ लगाओगे? तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड कहना इनफ है। तो समझ में आया, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप द का यूज करोगे, लेकिन अगर पोजेसिव केस गिवन है ऑलरेडी तब आप द का यूज नहीं करोगे सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ठीक है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, ऑल द के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जा सकता है, द होल के साथ आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करोगे। जैसे ऑल द बुक्स, ऑल द रोड्स, द होल कंट्री, द होल लाइब्रेरी, द होल क्लास। समझ आया? बहुत बढ़िया प्रणव। चलो 54th की अगर बात की जाए तो देखो, इस चेन को याद रखना, नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, एडवर्ब को एक और एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि ही इज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, ही इज व्हाट स्टूडेंट, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट, तो आगे फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया एडवर्ब ने। अगर मैं यहाँ पे रियली भी लगा दू फिर क्या है, एक और एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है? तो इस चेन को हमेशा याद रखना है। 55th रूल की अगर बात की जाए तो देखो, टाइम वर्ड हमेशा ही सेंटेंस के लास्ट में होता है। यस्टरडे आई मेट श्याम, नहीं गलत हो जाएगा, कैसे लिखूं, आई मेट श्याम यस्टरडे। टाइम वर्ड हमेशा ही सेंटेंस के एंड में आना चाहिए, क्लियर है? हां जी, बढ़ते हैं। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम तीनों ही एक साथ गिवन हो तो कैसे लिखोगे? आपको याद रखना है एमपीटी, एम से मैनर, पी से प्लेस, टी से टाइम, एमपीटी आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है? He saw me quickly in the park yesterday. He saw me quickly in the park yesterday. समझ में आया? लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको जाने के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, जैसे कि कम, गो, वॉक, ट्रेवल। तो जब ये वर्ब्स की बात होगी तब आपका ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तब आप मैनर प्लेस टाइम नहीं, प्लेस मैनर और टाइम लिखोगे, क्योंकि सपोज गो है तो जाने के लिए कोई जगह तो हो। इन वर्ब्स को, इनको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, तो इन वर्ब्स ऑफ मूवमेंट को एक प्लेस चाहिए होता है। तो अगर ये वर्ब्स गिवन है तो आपका ये जो चेंज हो जाएगा एमपीटी किसमें, पीएमटी में, ये हो जाएगा प्लेस मैनर टाइम। ही वेंट होम क्विकली यस्टरडे, क्लियर हुआ? टाइम हमेशा लास्ट में रहेगा, चेंज अगर करना है तो सिर्फ मैनर और प्लेस में करो। चलो 57th रूल की अगर बात की जाए तो क्या बोलता है ये रूल, कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की प्लेसमेंट हमेशा ही मेन वर्ब से पहले करनी चाहिए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की प्लेसमेंट हमेशा ही मेन वर्ब से पहले, अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो ही ऑलवेज कम्स लेट, ये आपकी मेन वर्ब है। शी हैज नेवर हेल्प्ड हिम, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। तो शी हैज नेवर हेल्प्ड हिम, ओके, क्लियर हुआ? फटाफट से मुझे बताओ। नेक्स्ट रूल की अगर बात की जाए तो देखो, टू एक नेगेटिव वर्ड है। सपोज मैं कहूँ द कॉफी इज टू हॉट, मतलब ये इतनी ज्यादा गर्म है कि इसको ड्रिंक नहीं किया जा सकता है, तो स्ट्रक्चर कैसे होता है, टू के साथ एडजेक्टिव और उसके साथ, फिर टू के साथ टू का पेयर तो बनता है, स्ट्रक्चर आप ऐसे लिखोगे टू उसके बाद एडजेक्टिव। जैसे कि ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, इसको आप चेंज करोगे किसमें, सो दैट में। ही इज सो वीक That he can not walk. वो इतना वीक है कि वो चल भी नहीं सकता, क्लियर हो? चलो
लेकिन इनफ की जब बात की जाती है, इनफ का मतलब होता है सफिशियंट, द टी या द कॉफी इज हॉट इनफ, इसका क्या मतलब है कि वो इतनी गर्म है कि उसको पिया जा सकता है। तो स्ट्रक्चर का ध्यान रखना, एडजेक्टिव पहले लिखा जाएगा, इनफ बाद में। यहाँ पे हम टू को पहले लिख रहे थे, यहाँ पे हम एडजेक्टिव को पहले लिख रहे हैं। तो द टी इज हॉट इनफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं एक चीज लिखती हूँ कि देयर इज इनफ राइस, क्या ये चीज सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि राइस क्या है? राइस आपका नाउन है। मैं बात कर रही हूँ एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव इनफ से पहले आएगा, नाउन इनफ के बाद भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60th रूल आपका क्या कहता है? 60th रूल आपका कहता है दो और ऑल दो, इनके साथ बट का पेयर नहीं बनता है, इनके साथ पेयर बनता है या तो येट का या फिर कॉमा। ठीक है, इवन की जरूरत नहीं है मंजीत, येट हम ओल्ड इंग्लिश में यूज करते थे, कॉमा हम अभी की इंग्लिश में यूज करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में। ठीक है, 61st रूल की अगर बात की जाए तो देखो, एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। अब एक बात को ध्यान से समझना, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में कहा था कि हर एलवाई लगा वर्ड एडवर्ब नहीं होता है। इसका क्या मतलब था कि देखो, नाउन के साथ अगर मैं एलवाई लगाती हूँ तो वो एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव के साथ अगर एलवाई लगाया तो वो एडवर्ब बनता है। इस बात को समझो, नाउन के साथ एलवाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ एलवाई वो जाके बनेगा नाउन। तो मैन आपका नाउन है, इसके साथ एलवाई लगाया, ये क्या बन गया? मैनली एडजेक्टिव, विमेन ली एडजेक्टिव, चाइल्ड ली एडजेक्टिव, कावर्ड ली एडजेक्टिव, फ्रेंड ली एडजेक्टिव। ठीक है, तो भीमा फॉट कावर्डली इन द बैटल। अब ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई क्या कर सकता है? एडवर्ब करेगा, एडजेक्टिव तो नहीं कर सकता ना, इसीलिए हम इसको चेंज करते हैं, भीमा फॉट इन अ कावर्डली मैनर। ये हमें हाउ का आंसर दे रहा है, हाउ का आंसर मैनर से मिलना चाहिए। ठीक है, समझ आया? तो भीमा फॉट इन अ कावर्डली मैनर। बात करते हैं 62nd रूल की, इन्वर्जन। अब ध्यान से समझना इस चीज को, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखें उसको बोला जाता है इन्वर्जन। अब इन्वर्जन होता क्यों है? जब भी यहाँ पे नेगेटिव एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी उस केस में इन्वर्जन होगा। अब एक बात को समझना, सब्जेक्ट बनने की कैपेसिटी होती है नाउन के पास, नाउन को तो क्वालिफाई कर नहीं सकता एडवर्ब, नाउन को तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, तो इस एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए कुछ तो चाहिए, इसीलिए बस हम इन्वर्जन करते हैं। इन्वर्जन क्या होता है सबको पता होता है, रीजन समझो इस चीज का कि एडवर्ब तो सिर्फ वर्ब को ही क्वालिफाई करेगा ना, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए। सेल्डम ही विजिट्स हिज पेरेंट्स, नो सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स, शायद ही वो कभी कभार अपने पेरेंट्स के पास जाता है। 63rd क्वेश्चन की बात की जाए, पेयर कंजंक्शन। पेयर कंजंक्शन हमेशा आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच होने चाहिए, जैसे आइदर स्नेहा इज हैप्पी और सैड। अब आइदर के बाद यहाँ नाउन है और के बाद यहाँ एडजेक्टिव है, सही तो नहीं है। तो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा आपको सेकंड वाले को देखना है। ठीक है, आप लेफ्ट साइड देखोगे, लेफ्ट को करेक्ट मान के राइट को सॉरी राइट को करेक्ट मान के आपको लेफ्ट को करेक्ट करना है। तो स्नेहा इज आइदर हैप्पी और सैड, अब दोनों ही केसेस में क्या है, सिर्फ एडजेक्टिव है, तो स्नेहा इज आइदर हैप्पी और सैड। चलो नेक्स्ट रूल की अगर बात की जाए, नो स्नेहा इज आइदर हैप्पी और सैड। 64th रूल की अगर बात की जाए तो देखो, आप एक रूल अभी पढ़ के आए थे कि सब्जेक्ट वन जुड़ा है प्रेपोजिशन के साथ सब्जेक्ट टू से, तो वर्ब सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगी, रीजन आपके सामने था कि प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर कंजंक्शन की बात की जाए तो नियरेस्ट सब्जेक्ट, क्योंकि हमने वहां पे भी सीखा था कि वर्ब जाएगी तो यहीं पे, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो उसको अपना सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो जब भी कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो देखो, आइदर राहुल और निकुंज आर गोइंग, निकुंज कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आना चाहिए, आइदर राहुल और निकुंज इज गोइंग, समझ आया? 65th की अगर बात की जाए तो फ्रॉम और टू बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता है। रीजन इसको एग्जाम्पल से समझो, द शॉप विल बी क्लोज्ड बिटवीन 2 PM
2-4 PM। अब आपको एक बात का पता है, बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनेगा। अब मैं इसको एंड करूं या इसको फ्रॉम करूं, बिटवीन के साथ एंड का पेयर, फ्रॉम के साथ टू का पेयर। तो एक बात को समझो, जब भी मोशन की बात होगी तब आप फ्रॉम एंड टू का यूज करोगे, जब भी स्टैटिक की बात होगी तब आप बिटवीन के साथ एंड का यूज करोगे। अब शॉप क्लोज रहने वाली है, कोई मोशन नहीं होगा, तो आना चाहिए बिटवीन के साथ एंड। अब मैं काउंटिंग की बोल दूं, शी इज काउंटिंग फ्रॉम 20 to 30, क्योंकि वहां पे काउंटिंग में मोशन है, 21 भी आएगा, 22 भी आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल की अगर बात की जाए, द सेम के साथ दैट भी पेयर बनता है, द सेम के साथ एज भी। कब, कौन सी सिचुएशन में कौन सा पेयर बनता है? द सेम के साथ अगर उसके बाद सेंटेंस है, यानी कि सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो भी सब्जेक्ट और वर्ब हो तो भी काम चल जाएगा, तो आप लगाओगे द सेम के साथ दैट। और अगर कोई वर्ड है या फ्रेज है तो आप लगाओगे एज। तो देहरादून इज सच अ ब्यूटीफुल सिटी - कश्मीर। अब कश्मीर क्या है, सिर्फ एक वर्ड है, तो यहाँ पे आना चाहिए एज कश्मीर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं आई वॉन्ट टू लिव देयर, इस कश्मीर की जगह मैंने लिखा आई वॉन्ट टू लिव देयर, तो अभी क्या है, सेंटेंस है, फिर आ जाएगा दैट, सच दैट, ठीक है। चलो एक बात को समझो, सच के साथ दैट आता है हमेशा कॉज इफेक्ट के लिए, सच के साथ एज आता है आपका कंपैरिजन के लिए। तो ही इज नॉट सच एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट दैट यू आर, ये आपका एग्जामिनेशन का आया हुआ क्वेश्चन है इसी साल 2018 सीजीएल प्री का। फटाफट से मुझे आंसर बताओ। अब यहां पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन की वो इतना इंटेलिजेंट नहीं जितने कि तुम हो, तो आना चाहिए एज, समझ में आया। बट देयर वॉज सच अ नॉइज दैट वी हैड टू कैंसिल द क्लास। अब यहाँ पे क्या, इतना ज्यादा शोर था कि हमको क्लास ही कैंसिल करनी पड़ गई, तो ये कॉज एंड इफेक्ट है, समझ आया। चलो सेकेंड नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, इन सबके साथ पेयर बनता है वेन का, और नो सूनर के साथ पेयर बनता है देन का। आप देखो रटने का काम नहीं है, टाइम है, टाइम के साथ तो वेन ही आना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ पे देन क्यों है, क्योंकि अभी आपको बताया कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगा के बनाई जा सकती है, और कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ कंपैरेटिव वर्ड देन जरूर लेती है, तो यहाँ पे नो सूनर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसीलिए इसके साथ पेयर बनता है देन का, रटने का काम खत्म। चलो सेवेंटीथ रूल की अगर बात की जाए, तो देखो एक वर्ड होता है सिमिली, सिमिली मेटाफर, तो सिमिली क्या होता है, कंपैरिजन, मेटाफर भी कंपैरिजन, लेकिन सिमिली में हम लाइक एंड एज का यूज करते हैं, मेटाफर में हम लाइक एंड एज का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूं कि भीमा फॉट लाइक अ लायन, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिली, लेकिन मैं कहूं भीमा वॉज द लायन इन द फाइट, मैंने भीम को ही लायन कह दिया, तो वो क्या है फिर, मेटाफर है, समझ में आया। तो भीमा फॉट, अब देखो लाइक क्या है, प्रेपोजिशन है, अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके साथ कौन सा केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है, कोई ना कोई वर्ड। एज क्या है, कंजंक्शन है, एज के साथ क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस या फिर कोई सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो भीमा फॉट - अ लायन, ये क्या है, सिर्फ एक वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, लाइक अ लायन। He works carefully - I do, subject verb, तो क्या आएगा, as I do। अब मैं इस lion की जगह यहाँ पे lion के साथ does लगा दूँ कि fought - a lion does, तो क्या आ जाएगा, fought as a lion does, समझ में आ गया। Like के साथ object, as के साथ subject, फिर verb। 71st rule की अगर बात की जाएगा, ध्यान से समझना, doubt, जब भी तुमको doubt हो, जब भी डाउट हो तुम लगाओगे वेदर, क्योंकि वेदर के साथ पेयर बनता है और का, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटीज है, दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, या तो ये या तो वो। ये किस कंडीशन में लगाओगे, जिस कंडीशन में डाउट होगा, लेकिन अगर कोई भी डाउट नहीं है, तुम श्योर हो, तब यूज करोगे दैट का। तो देखो आई डाउट वेदर आई विल बी एबल टू पास द एग्जामिनेशन, इसका मतलब ये कि क्या मैं पास कर पाऊंगी, क्या मैं पास नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आई एम श्योर दैट आई विल क्लियर द एग्जामिनेशन,
सेकेंड सेंटेंस में क्या है, आपको कोई डाउट नहीं, आपको कोई संदेह नहीं, आप श्योर हो कि आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर लोगे। चलो 73 देखो, सिंस और फॉर का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सिंस का यूज हमेशा स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा, सिंस का यूज कैलेंडर की सभी, जब भी कैलेंडर की डे की बात हो, डेट की बात हो, पार्ट्स ऑफ डे की बात हो, हमेशा सिंस का यूज होगा। सिंस का मतलब ही होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी आप कैलेंडर पे जाके पॉइंट लगा सको सिंस लगाओगे, निश्चित समय। फॉर हमेशा अनिश्चित के लिए होता है, ड्यूरेशन के लिए होगा, ब्रैकेट के लिए होगा। जैसे मैंने कहा फॉर 3 डेज, अब 3 दिन कौन से 3 दिन हमें नहीं पता, लेकिन मैं कहूँ कि 23 अक्टूबर, समझ रहे हो मेरी बात को। तो सिंस हमेशा स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होगा, फॉर हमेशा ड्यूरेशन के लिए यूज होगा। चलो 74th देखो, डिटरमिनर्स। अब डिटरमिनर्स में क्या क्या आ सकता है, डिटरमिनर्स में आप क्या आ सकते हैं, आर्टिकल्स। डिटरमिनर्स में आते हैं सारे के सारे पोजेसिव केस, डिटरमिनर्स में आते हैं सच, मच, मैनी, ठीक है। तो देखो डिटरमिनर्स, अगर देखो दो से दो सब्जेक्ट्स हैं वो एंड से जुड़े हुए तो प्लूरल आएगा, लेकिन अगर उनमें से सिर्फ एक के आगे डिटरमिनर है तो सिंगुलर, और दोनों के आगे डिटरमिनर है तो फिर से प्लूरल। तो द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैज कम, इसका क्या मतलब है, प्रोड्यूसर भी एक ही बनता है, डायरेक्टर भी एक ही बनता है, लेकिन जैसे ही मैंने द लगा दिया अब क्या है, प्रोड्यूसर अलग हो गया, डायरेक्टर अलग, फिर उस केस में आ जाएगा हैव। समझ में आया, ये रूल जस्टिफाइड हो गया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। एक बात समझो कि जो अनअकैडमी प्लस है उस पे आपको सभी के सभी बैचेस मिल जाएंगे। प्रतियोगिता मंत्रा का भी एक प्लैटिनम बैच आने वाला है जो कि टिल एग्जामिनेशन चलेगा, उसमें सारे के सारे सभी 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 के सभी सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे, और जीएस तो बहुत अच्छे लेवल की होने वाली है, स्पेशली टीसीएस के पैटर्न को टारगेट करते हुए, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स अनअकैडमी प्लस की अगर बात की जाए तो वहां पे आपको मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, सभी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज मिल जाएंगे बाय द टॉप एजुकेटर्स। आपको अभिनय सर के कोर्सेज में मिलेंगे, आपको पवन राव सर की शीट भी मिलेंगी, आपको रानी मैम के कोर्सेज में मिलेंगे, सभी के सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे इन जस्ट वन प्लान। ये सब के सब आपको चीजें मिलेंगी इन जस्ट वन प्लान, ठीक है। इनके साथ साथ आपको मिलेंगे 100% फ्री मॉक टेस्ट, ऑन लेटेस्ट पैटर्न क्लास टेस्ट आपको मिलेंगे, क्लास पीडीएफ आपको मिलने वाली है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होने वाले हैं आप सभी के, ठीक है। तो देखो अगर आप एक 1 ईयर का प्लान चूज करते हो तो ये करीब आपको पड़ जाएगा 4800 का, और 6 मंथ्स का अगर आप प्लान चूज करते हो तो ये करीब पड़ जाएगा 3800 का। आपको करना क्या है, रेफरल कोड की जगह पे डिस्काउंट कोड लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा, और इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मेरा बस सजेशन ये रहेगा कि आप 1 ईयर का प्लान लोगे तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसी में मिलता है, तो ये सबसे फायदेमंद ही रहने वाला है। करना क्या है आपको, अनअकैडमी ऐप पे जाओ, प्लस सेक्शन में जाओ, एसएससी एग्जाम्स को चूज करो, अपना प्लान चूज करो, उसके बाद यहाँ पे रेफरल कोड की जगह लगाओ डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा, कुछ क्रेडिट्स हैं उन्हें लगाओगे आपको कुछ परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बैंक्स के लिए चाहे, रेलवे के लिए चाहे, यूपीएससी सीडीएस का जो एग्जामिनेशन जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है उसके लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको यही कोड लगाना है, रेफरल कोड प्रतियोगिता मंत्रा, क्लियर है। ये प्लान बेस्ट रहेगा, अभी आपको बता दिया सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट इसी प्लान में मिलता है, प्लस प्री और मेंस पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। एक बात ध्यान से सुनना, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ से उनको प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, बिना सोचे समझे ये प्लान लो, अपना आराम से बैठ के पढ़ो, मॉक टेस्ट भी इसी में, आपको किसी भी चीज के लिए कहीं भी और भटकने की नीड ही नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। और पता है अभी आपके पास एसएससी सीजेट के लिए सीधे सीधे 4 महीने हैं, आप आज से 2 महीने बाद भी प्लान ले रहे होगे, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो आज से 2 महीने बाद भी आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी, लेकिन तब आपके पास टाइम नहीं होगा। अभी आपके पास टाइम है तो बिना देर किए प्लान लो, अपना आराम से बैठ के पढ़ो, अनअकैडमी प्लस आपको H2 कंफर्म देगा ही। बस आपको ध्यान ये रखना है डिस्काउंट के लिए क्या करना है, प्रतियोगिता मंत्रा रेफरल कोड एंटर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 24-25 मोर रूल्स टू गो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अभी 10 बजे अनअकैडमी प्लस पे जो है क्लास है स्पेशल वोकैब की, आप सभी के सभी लोग 9:30 तक रूल्स कवर हो जाएंगे, आधे घंटे का रेस्ट करो, फिर सारे उस वोकैब की क्लास में भी आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं कराने वाली हूँ,
75th रूल की अगर बात की जाए तो देखो यूनिट्स हैं। अब यूनिट्स का जो फंक्शन होता है वो कलेक्टिव नाउन के जैसा होता है, यानी कि अगर यूनाइटेड सेंस है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर डिवाइडेड सेंस है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। समझ में मेरी बात को? ये चीज हम पढ़ के आए हैं। अब यूनिट में क्या क्या हो सकते हैं? अमाउंट हो सकता है, वेट हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, हाइट हो सकती है, स्पीड हो सकता है और टाइम, यही यूनिट्स होती हैं। याद कैसे रखोगे? अवध से पहले AWDHSP, P से पीरियड, पीरियड यानी कि टाइम। तो यूनाइटेड सेंस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, डिवाइडेड सेंस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हुआ? चलो 76th रूल की अगर बात की जाए तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किसी भी रूटीन हैबिट के, रूटीन मतलब हैबिट वही होती है जिसको, जो काम को रूटीन में किया जाए, तो रूटीन हैबिट तो सुपर क्लियर हो गया। तो रूटीन एक्शन के लिए या फिर किसी भी हैबिट के लिए यूज किया जाता है। तो शी ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक। अब आपको ये कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, जहां पे भी आपको ये सर्टेन कीवर्ड दिख जाए, जितनी भी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है जहां पे भी ये दिख जाए, सीधा सीधा लगाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात की जाए तो ये होता है आपका लाइव एक्शन, जो भी एक्शन पैरेलल चल रहा हो। जैसे कि मैं कहूँ वी आर स्टडिंग द टॉप 100 ग्रामर रूल्स राइट नाउ, या नाउ, राइट नाउ, नाउ, ये सभी वर्ड्स है साइमल्टेनियसली। इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज किए जाते हैं। अब देखो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं कर सकते, सिर्फ इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा आई एम नोइंग यू, नहीं, नो क्या है? नो आपका मेंटल प्रोसेस है। तो ये वर्ब्स कौन कौन सी होती है? सेंस हो जाएगा, देखना, सुनना, सी, हियर, फील, फीलिंग्स हो जाएंगी सारी की सारी, लव, हेट, पोजेशन, हैव, ऑन, बिलोंग, मेंटल प्रोसेस, अंडरस्टैंड, नो, डिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं कर सकते, इसके लिए लिखा जाएगा आई नो यू। अब नो क्यों आया? क्योंकि नोज क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आई को प्लूरल ट्रीट करके चलते हैं। क्लियर हुआ? पास्ट इंडेफिनिट, अब ध्यान से समझो, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन का कोई काम नहीं है। देखो पास्ट इंडेफिनिट यूज किया जाएगा जब भी तुमको स्पेसिफिक टाइम गिवन हो, ध्यान रख लो इस बात को, जब भी टाइम गिवन होगा पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, अब मैं इस 1947 को हटा दूंगी ना अगर, तो फिर आ जाएगा इंडिया हैज बिकम इंडिपेंडेंट, इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है। कब हुआ? 1947 में। जैसे ही टाइम आ गया लगाओ V2। आई सॉ हिम यस्टरडे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइम वर्ड आ गया, टाइम वर्ड लास्ट में आता है हमेशा, तो आपको पता लग जाएगा जब भी टाइम गिवन हो पास्ट इंडेफिनिट। हालांकि अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाए तो ये इसमें टाइम गिवन नहीं होता है, इसका मतलब होता है रीसेंट पास्ट। जैसे शी हैज ऑलरेडी सबमिटेड द फाइल्स, आई हैव सीन द मूवी। अगर मैं यस्टरडे डाल दू इस सेंटेंस में फिर आ जाएगा आई सॉ द मूवी यस्टरडे, टाइम आया पास्ट इंडेफिनिट, टाइम नहीं है लेकिन पास्ट का एक्शन है प्रेजेंट परफेक्ट। समझ आया? चलो 81st रूल की अगर बात की जाए तो देखो ये रूल मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं सभी सेट्स के मिला के 10 प्लस क्वेश्चंस पूछे गए थे सिर्फ इस एक रूल से, CGL 18 में, सिर्फ इस एक रूल से सोचो। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करना, शी हैज बीन ट्रस्टिंग अस सिंस शी जॉइंड आवर स्कूल। अब नॉर्मल अगर कोई और सेंटेंस होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि मेंटल प्रोसेस है ट्रस्ट और उसको कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं किया जा सकता। तो अगर कुछ ऐसे वर्ब्स की बात आ जाए जिनको कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं किया जाएगा, सिर्फ इंडेफिनिट में यूज किया जाएगा, तो रूल मॉडिफाई हो जाएगा, फिर वहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट। तो शी हैज ट्रस्टेड अस, She has trusted us since she joined our school. Clear हुआ? तो ये दोनों रूल ध्यान से समझने हैं। चलो 83rd रूल की अगर बात की जाए तो देखो एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट होता है जो काम पहले हो चुका। सपोज करो पास्ट में दो एक्शंस हैं, दोनों ही पास्ट में हो रहे हैं, तो कोई ना कोई एक काम तो पहले हुआ होगा ना।
तो जो पास्ट एक्शन है, जो फर्स्ट एक्शन है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। वो हमेशा परफेक्ट में जाएगा, वो हमेशा किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि वो पास्ट ऑफ पास्ट है। और सेकंड एक्शन जो है उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, ये जाता है आपका इनडेफिनिट में, पास्ट इनडेफिनिट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिफोर से पहले हमेशा एंटीसीडेंट आएगा। एंटीसीडेंट का क्या मतलब है? परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और इसके बाद प्रेसिडेंट आएगा, प्रेसिडेंट का क्या मतलब है? पास्ट इनडेफिनिट। आफ्टर से पहले आएगा प्रेसिडेंट यानी इंडेफिनिट, और आफ्टर के बाद आएगा एंटीसीडेंट यानी कि परफेक्ट। क्लियर हुआ? जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब पेशेंट की डेथ पहले हो चुकी है, डॉक्टर साहब लेट आए हैं, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। क्लियर हुआ? बिफोर और आफ्टर दोनों ही तरीकों से आप इस सेंटेंसेस को कर सकते हो। चलो नेक्स्ट रूल की बात अगर की जाए, वाइल के साथ हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, वेन के साथ हमेशा इंडेफिनिट। अब देखो मैं यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट कुछ नहीं कह रही हूँ, सिर्फ कह रही हूँ कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है V1 प्लस ING, और इंडेफिनिट की पहचान है V1 या फिर V1 प्लस SAIS या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो देखो व्हाइल आई वाज वॉशिंग द क्लोथ्स ही वाज वाचिंग द टीवी, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन आई अराइव्ड एवरीबॉडी विश्ड मी, आपको बस टेंस चेक करके रखना है। व्हाइल के साथ हमेशा कॉन्टिन्यूअस, व्हेन के साथ हमेशा इंडेफिनिट। क्लियर हुआ? 86th रूल की अगर बात की जाए, तो देखो इफ के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट है, इफ के साथ अगर इफ, या इफ का मतलब होता है कंडीशनल क्लॉज, जहां पे आपकी कंडीशन गिवन हो, तो इफ के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट गिवन है तो रिजल्ट में क्या होगा? हमेशा ही सिंपल फ्यूचर होगा। और एक बात का ध्यान रखना, अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का यूज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ इस एक रूल से 7 to 8 सेंटेंसेस आए हैं, इनफैक्ट प्लस CJ18 के प्री में। अब सिंपल सिंपल रूल से सिंपल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। 1st of November को आपकी क्लास है, जिसमें मैं 2018 मेंस के रूल्स कराने, मेंस के एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। 100 रूल्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके बाद मिलते हैं क्लास में। आराम से प्रैक्टिस करना और देखना कि कितने ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं ये रूल्स। चलो, तो अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। नॉट नहीं आता है, नॉट नहीं आएगा तो डू का भी क्या काम है। अगर इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड में आना चाहिए वुड। इफ आई डिसाइडेड द रूल्स आई वुड बिकम अ क्वीन। 88th रूल देखो, इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे बैलेंस के लिए, पास्ट की वजह से वुड, तो हैव किस लिए आया है कि मोडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो इसलिए हमने पहले हैव यूज किया कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ आई हैड सीन यू, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माय कार, अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैंने अपनी कार रोक ली होती। अब इसी सेंटेंस को आप लिख सकते हो, हैड आई सीन यू, हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माय कार। ठीक है, दोनों ही सेंटेंसेस एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग के जितने भी मेन रूल्स हैं मैंने सारे कवर कर दिए इसी एक रूल में। पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है, नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होता है। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंस का यूज किया जाता है, टेंस सेम रखा जाता है, टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। और लास्ट में क्या? सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्शन यूज किया जाता है। जैसे डू है, डू के साथ नॉट लगाओगे क्या बनेगा? डोंट। ठीक है, विल के साथ नॉट लगाओगे क्या बनेगा? वोंट। शाल के साथ नॉट लगाओगे बनेगा शांट, SHANT। ठीक है, तो इसी तरीके से नॉट हेल्पिंग वर्ब और नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही यूज की जाती है। आई कैन नॉट डू दिस, कैन आई? आई हैव नॉट पेड द बिल्स, आई हैव नॉट पेड द बिल्स, हैव आई? She has a car। अभी देखो hasn't मत कर देना, इसका मतलब क्या है? She does have a car, doesn't she? समझ आया?
क्लियर है? तो ये दो सेंटेंसेस ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना, टेंस आपको क्लियर होनी चाहिए इसके लिए। 90th रूल की अगर बात की जाए तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। इन्फिनेटिव का मतलब क्या? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ऑफर है, डेडिकेट है, अग्री है, रिफ्यूज है, वुड लव है, वुड लाइक है, मैनेज है या ऑफर है। जैसे कि आई वुड लव टू डांस, आई वुड लाइक टू डू दिस, शी एग्रीड टू डू दिस, शी रिफ्यूज टू डू दिस, आई एम डेडिकेटिंग दिस सॉन्ग टू सो एंड सो पर्सन। ठीक है, तो इन सभी के साथ आप 2+V1 इन्फिनिटिव का यूज करोगे। अब ये कुछ वर्ब्स हैं, इनके साथ हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आना चाहिए। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू का यूज नहीं। जैसे कि हियर, हेल्प, मेक, लेट, सी एंड वॉच। जैसे ही मेड मी डू दिस, आई लेट इट गो। क्लियर है? 92nd क्वेश्चन देखो, ये कुछ वर्ब्स है जिनके साथ हमेशा मतलब ये इनके साथ क्या आना चाहिए? जीरंड। जीरंड क्या होता है आपकी? V1 प्लस ING, वर्ब के साथ ING की फॉर्म। ठीक है, ये होता है माइंड, स्टार्ट, स्टॉप, कीप, डिनाई, एंजॉय, मिस, लाइक, लव, एडमिट, रिस्क। अब ध्यान देना, अगर सिर्फ लाइक और लव है तो आएगा V1 प्लस ING, अगर वुड लाइक और वुड लव है तो आएगा 2+V1। जैसे आई लव डांसिंग, आई लव सिंगिंग, आई मिस डूइंग दैट। ठीक है, यू शुड स्टॉप डूइंग दिस। नेक्स्ट देखो, ये जो कुछ फ्रेजेस हैं इनके साथ हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का यूज होगा। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे हैड सूनर, वुड रादर, हैड बेटर, वुड बेटर। क्लियर है? और ये जो कुछ फ्रेजेस हैं इनके साथ हमेशा किसका यूज होगा? जीरंड का, V1 प्लस ING, आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू, प्रॉन टू। इसके साथ होगा बी यूज टू। बी का मतलब क्या? इज, एम, आर, वॉज, वर। आई एम यूज टू डूइंग दिस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर, प्रॉन टू, की टू, अकस्टम्ड टू, इन ऑर्डर टू मेंटेनिंग द डिसिप्लिन, दे हैड टू टेक दैट डिसीजन। ठीक है, अब 95th रूल को समझना ध्यान से। अब ये सेंटेंसेस देखो, कुछ चीजें होती है जिनको सेंटेंसेस से कवर किया जा सकता है। तो माई फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू द पार्टीज। मैंने आपको कहा है जो भी आपको वॉट का आंसर देगा वो नाउन होगा, हाँ कि ना? तो माई फादर डज नॉट लाइक वॉट, क्या आएगा? गोइंग। तो V1 के साथ अगर ING आपको वॉट का आंसर दे तो वो नाउन है। अब नाउन अपने आप में सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनती है, तो नाउन से जस्ट पहले सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, दोनों में से ही कुछ नहीं आ सकता। नाउन से जस्ट पहले आता है पोजेसिव केस। ठीक है, तो माय फादर डज नॉट लाइक माय गोइंग टू द पार्टीज। माय फादर डज नॉट लाइक माय गोइंग टू द पार्टीज, कहने का क्या मतलब है? कि मेरे पिता को मैं पसंद नहीं हूं या मेरा पार्टीज में जाना, तो मेरा पार्टीज में जाना, मेरा यानी पोजेसिव केस। चलो 96 देखो, बींग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे एक चीज समझना, आप इस सेंटेंस को देखते ही लगाओगे इट सही भी है, लेकिन एक और सेंटेंस मैंने लिखा, बींग एन ऑनेस्ट पर्सन शी रिटर्न द मनी। इसमें क्या करोगे? इसमें भी इट लगाओगे? नहीं। ऐसा कोई भी सेंटेंस हो तो क्या करो, सेकंड सेंटेंस का ये जो सब्जेक्ट उठा के यहाँ पे इसका सब्जेक्ट बनाओ और देखो सेंस बन रहा है कि नहीं। अगर सेंस बन रहा है तो सेंटेंस ठीक है, एक्चुअल में नहीं लगाना, सिर्फ लगाकर देखना है। अब आई बीइंग द रेनी डे सेंस नहीं बनेगा, इसलिए आपको इसको सब्जेक्ट देने की जरूरत पड़ी इट। इट बीइंग द रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। लेकिन यहाँ पे देखो, ऑनेस्ट भी वही है, उसी ने मनी लटाया है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आपको कुछ नहीं लगाना, बींग एन ऑनेस्ट पर्सन शी रिटर्न द मनी। क्लियर हुआ? तो हर जगह बींग देख के डायरेक्ट इट नहीं लगा देना है। क्लियर हो गया? 97th देखना, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर डिस्ट्रॉयड। देखो, अगर प्रेपोजिशन है उससे पहले सेम नाउन है तो पहली बात तो दोनों ही नाउन सिंगुलर रहने वाले हैं, और इनके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो भी आपकी कैसी होने वाली है? सिंगुलर, यानी कि वॉज। तो टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड।
क्लियर हुआ। प्रेपोजिशन के साथ दो नाउन है, दोनों ही सेम है, दोनों नाउन सिंगुलर रहने वाली है, वर्ब भी जाके सिंगुलर होगी। 98th रूल की अगर बात की जाए तो देखो as के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है, so as के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। as faster as आपको एग्जामिनेशन देगा, as faster as नहीं, क्या होगा? as fast as। क्लियर हुआ? पॉजिटिव डिग्री। 99th रूल की अगर बात की जाए तो आपको पता है आर्टिकल में एन का यूज आप करोगे जब भी वाउल साउंड होगी, और ए का यूज आप करोगे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, वाउल साउंड यानी ए ई आई ओ यू। क्लियर है? तो जब भी वाउल साउंड होगी आप एन का यूज करोगे, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड होगी फर्क नहीं पड़ता। अब इससे ऑनेस्ट है, यहीं पे देखो ऑनेस्ट आ की साउंड आ रही है बिल्कुल, लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से, फर्क नहीं पड़ता, साउंड मैटर करती है। तो ऑनेस्ट यहाँ पे क्या लगाया हमने? एन। यहाँ पे रेनी साउंड किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की, तो आएगा ए। 100th रूल देखो, अगर सब्जेक्ट वन जुड़ा है सब्जेक्ट टू के साथ कुछ कंपैरेटिव वर्ड्स, ये प्रपोजिशन की तरह, ये कंपैरेटिव वर्ड्स क्या होते हैं? एज वेल एज मेनी एज एज मच एज, ये सभी अगर वर्ड्स हैं as well as many as much as, इनको बोलते हैं comparative words। so जब भी अगर subject one, subject two से जुड़ा है इन comparative words की वजह के साथ, तो जो verb की placement है वो आपकी subject one के according होगी। अब ये examination का आया हुआ question है कि the captain as well as the teammates, तो उसके साथ subject verb क्या आएगी? singular, क्योंकि captain तो singular है। तो बिल्कुल ही सिंपल सिंपल स्ट्रेट स्ट्रेट क्वेश्चंस आए थे। एक लास्ट चीज और, 100 रूल्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, एक लास्ट चीज और बचती है बताने के वे में। यहां से आपके वॉइसेस के और नरेशन के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या? कि देखो शाल के साथ फर्स्ट पर्सन, विल के साथ सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन या कोई भी अदर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है तो बिहेवियर आपका फिक्स नहीं होता। जैसे कि आई शैल हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए बट मैं करूं या ना करूं मेरी मर्जी, तो दिस इज नॉट फिक्स्ड। रीना विल कम हियर टुनाइट, अब ये क्या है? ये फ्यूचर एक्शन है, फ्यूचर कभी भी कंफर्म नहीं होता है, तो यहाँ पे दिस इज नॉट फिक्स। लेकिन अगर मैं विल के साथ फर्स्ट पर्सन और शाल के साथ अदर सब्जेक्ट यूज करूं तो ये फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड किस सेंस में? हो सकता है कोई कमांड हो, कोई डिटर्मिनेशन हो, कंपल्शन हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो देखो आई विल हेल्प यू, दिस क्या, ये क्या है? डिटर्मिनेशन। अब एक बात समझो, विल का मतलब होता है इच्छा। अगर आप विल अपने कंसर्न में कह रहे हो तो आप श्योर हो सकते हो, लेकिन आप दूसरे की विल का क्या कंफर्मेशन दोगे? नहीं दे सकते। तो आई विल हेल्प यू डिटर्मिनेशन है, कंफर्म है। आई विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन, या फिर वी विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन क्या है? डिटर्मिनेशन है। लेकिन अदर सब्जेक्ट के साथ शाल, जैसे दिस एग्जामिनेशन शाल बी कैंसिल्ड इन केस ऑफ मास चीटिंग, या कोई भी द कैंडिडेट्स शाल बी बार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन, तो वहां पे क्या है? थ्रेट होता है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब जैसे कि आई विल टीच यू, अब इसको आप वॉइस में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? यू शाल बी टॉट बाय मी। अब यू के साथ क्यों? क्योंकि आई के साथ विल नॉट फिक्स्ड, यू के साथ शाल नॉट फिक्स्ड, तो आप इसी वजह से विल का शाल चेंज होता है वॉइसेस में या फिर नरेशन में। समझ में आया? ये थे आपके टॉप 100, 101 कह लो, शगुन का एक रूल और। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए, और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।